Hello, students, welcome to uh, Mukesh sir's uh, tutorial in this session. Again, we are going to start with your chapter number 2nd that is your DC power supply. हमने प्रीवियस जो हमारा सेशन था उसमें क्या देखा था यू आर चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट की होगी ओके सो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग दैट यू जस्ट नीड टू जस्ट पे योर अटेंशन और जस्ट पे द अटेंशन वट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर जो भी मैं आज बताने वाली हूँ जस्ट ध्यान से सुनना ऑफ योर चैप्टर नंबर सेकंड अगेन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी में कुछ क्वेश्चन जो भी आपको एग्जाम में आते हैं मेबी यू आर फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी आपके क्वेश्चन है स्मॉल क्वेश्चन मे बी फॉर फोर मार्क्स और मे बी फॉर एट मार्क्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इन दिस सेशन ओके सो यू हव टू जस्ट पे यूर अटेंशन ओके सो लेट स्टार्ट यू चैप्टर नंबर सेकेंड ऑफ यूर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट अगेन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो प्रीवियस हमने पढ़ा है दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट सो हियर इन द डी पावर सप्लाई वी आर गोइंग टू सी सम कन्सेप्ट ओके सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन इन अवर टुडे सेशन वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली टू पॉइंट्स ओके एंड द रिमेनिंग टू पॉइंट्स विल जस्ट चेक आउट इन द नेक्स सेशन राइट और इन योर नेक्स्ट पार्ट सो दिस इज नथिंग बट योर इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ योर डी सी पावर सप्लाई आपको यहाँ पर दो डायग्राम्स दिख रही है आपके सामने डायग्राम नंबर फर्स्ट एंड डायग्राम नंबर सेकंड, सो ये दोनों भी डायग्राम एग्जैक्टली सिमिलर है वन एंड सिमिलर ओके यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसी का मतलब ये यह है यहाँ पे बस ये ड्रामेटिकली uh, और ये क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बस कुछ इमेजेस आपको डिस्प्ले हो रही है राइट right? जैसे कि अगर ट्रांसफार्मर स्टेज है तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर कैसे दिखता है प्रैक्टिकली ओके देन नेक्स्ट स्टेज इज योर रेक्टिफायर सो प्रैक्टिकली हम कौन सा रेक्टिफायर यूज करते हैं सो so उसकी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले की गई है सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ये सेकेंड वाली डायग्राम जो है बस आपके लिए यहाँ पे डिस्प्ले की गई है अगर एग्जाम में आपको आता है कि जस्ट एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर डीसी पावर सप्लाई और डीसी पावर सप्लाई की जो कंसेप्ट है अगर आपको पूछी गई तो यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम नंबर फर्स्ट ओके जस्ट कंसीडर दिस पर्टिकुलर फर्स्ट डायग्राम ओनली ओके डोंट कंसीडर यूर चाप्ट दिस डायग्राम नंबर सेकंड दिस इज़ ओनली फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ये मैंने बस आपको दिमाग में ये सब ईजीली अंडरस्टैंड होने के लिए ये डायग्राम नंबर सेकंड जो है यहाँ पे एडिट की है ओके सो लेट स्टार्ट विथ य दिस पर्टिकुलर डायग्राम ओके सो जैसे मैंने बोला कि अभी ये डी पावर सप्लाई में पॉइंट नंबर फर्स्ट इज अवर ब्लॉक डायग्राम सो ये ब्लॉक डायग्राम स्टडी करने का सबसे पहले और ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली डीसी पावर सप्लाई और एसी पावर सप्लाई होता क्या है राइट सो इंडिया में हमारे पास uh, जो सप्लाई रेंज है ओके सो एवरी वन नोज इन इन इंडिया ओके जो सप्लाई है हमारे पास दैट इज़ नथिंग बट टू थर्टी होल्ड फिफ्टी हर्ट सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है राइट right? इंडिया में ये जो सप्लाई वोल्टेज uh, है और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अवेलेबल है राइट right? सो so ये जो फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज हमारे पास है सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू आर गोइंग टू ऑपरेट सम समिवाइसेज एम आर राइट राइट सो यहाँ आपको क्या करना है कि जो भी आपके टीवी है या मे बी आपके कंप्यूटर है मे बी आपके जैसे हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा है जैसे आप सी आर ओ और मे बी फंक्शन जनरेटर यूज कर कर यूज़ करके आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से उसको ऑपरेट करने वाले हैं सो इन अ सिमिलर वे जो भी आपको ऑपरेट करना है बेसिकली आपको वहाँ पर सप्लाई लगने वाला है मे बी ए सी और मे बी योर डी सी राइट सो यहाँ पे क्या है यू कैन जस्ट चेक आउट हियर यहाँ पे क्या है फर्स्ट ब्लॉक इज योर ट्रांसफॉर्मर ओके देन नेक्स्ट ब्लॉक इज य रेक्टिफायर नेक्स्ट ब्लॉक इज यूअर फिल्टर नेक्स्ट ब्लॉक इज यूअर रेगुलेटर अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये ब्लॉक डायग्राम बस रट लेते हैं कि फर्स्ट ब्लॉक इज ट्रांसफॉर्मर सेकंड ब्लॉक इज यूर रेक्टिफायर देन और एग्जाम के टाइम पे क्या होता है फिर जम्बलिंग हो जाता है मे बी ये ब्लॉक जो है रेक्टिफायर आप लास्ट में ड्रॉ करेंगे बिकॉज आपको यहाँ पे लगेगा कि रेगुलेटर और रेक्टिफायर कौन सा पहले ड्रॉ करना है और कौन सा बाद में ड्रॉ करना है अगर ये कंसेप्ट आपको पता नहीं है तो राइट लेकिन ये कंसेप्ट बहुत बहुत ज्यादा ईजी है अगर आप ध्यान से सुनो तो राइट सो यहाँ पे जस्ट चेकआउट जैसे मैंने बोला कि इंडिया में हमारे पास सप्लाई रेंज क्या है टू थर्टी होल्ट एंड फिफ्टी हर्ट्स। सो जस्ट सुनो यहां पे हम ये ब्लॉक डायग्राम सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझने वाले हैं राइट सो मेरे पास अभी 230 थर्टी होल्ड और 50 हर्ट सप्लाई है जो हम अप्लाई करने वाले हैं ये ट्रांसफार्मर को सो so, जैसे मैंने बोला कि ये ये जो सेकेंड वाली डायग्राम है यू कैन जस्ट रिलेट ये ट्रांसफार्मर ऐसे दिखता है प्रैक्टिकली राइट right? अगर किसी ने देखा हो तो वेल एंड गुड अगर किसी ने नहीं देखा हो तो यू कैन ऑल्सो चेकआउट ऑन योर नेट ऑल्सो और यू कैन जस्ट सी हियर कि ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली ऐसे दिखता है एक स्मॉल डिवाइस है यहाँ पे राइट right? उसको कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे टर्न्स रहते कॉइल रहते हैं राइट सो प्राइमरी में क्या रहता है दो वायर आपको दिखेंगे और सेकेंडरी में आपको दो वायरस दिखेंगे राइट सो यहाँ पे क्या होगा फिर आप टू थर्टी वोल्ड फिफ्टी हर सप्लाई जो है वो फर्स्टली प्राइमरी सेक्शन जो होगा आपके ट्रांसफॉर्मर का उसको अप्लाई करने वाले हैं तो एग्जाम में आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते मे बी आप कुछ अगर अलग रिसोर्सेस और मे बी कुछ अलग बुक्स रेफर कर रहे होंगे तो इंस्टेड ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर कुछ कुछ बुक्स में ना आपको ऐसे भी दिखाई गया दिखाया जाएगा जैसे कि ऐसा है, ऐसा पार्ट सो so, यहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो कि ये भी ऑल्सो द सिंबॉ ऑफ यूर दिस इज़ नथिंग बट द सिबल ऑफ यूर ट्रांसफार्मर ये है प्रैक्टिकल इमेज ऑफ़ योर ट्रांसफार्मर अगर किसी को एग्जाम में ऐसे लिखना है कि ट्रांसफार्मर ब्लॉक यू कैन ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो वैलिड इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रॉ द सिंबल ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इट इज़ ऑल्सो वैलिड राइट सो इट डिपेंड्स अपॉन यू ये आपके ऊपर है कि आपको क्या ड्रॉ करना है राइट सो ट्रांसफार्मर को क्या है प्राइमरी बाइंडिंग्स है पी वन पी टू एंड सेकेंडरी बाइंडिंग्स है एस वन एंड एस टू सो so इनपुट में हम क्या करने वाले हैं टू थर्टी और फिफ्टी हर्ट्ज जो पावर सप्लाई है वो सीधा आपको जाएगा अप्लाई करने वाले हैं ये ट्रांसफार्मर को ओके सो ध्यान से सुनो ट्रांसफार्मर के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं दैट इज योर प्राइम स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड यूर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सो so, अभी ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन क्या है सो जस्ट ध्यान से सुनो कि यहाँ पे क्या करना है हमें कि जो भी 230 थर्टी होल्ट फिफ्टी हर्स पावर सप्लाई है सो so ऐसा कोई सर्किट है क्या आपके पास और ऐसी कुछ डिमांड है क्या हमारे पास कि हमेशा आपको 230 थर्टी होल्ड और 50 हर्ट पावर सप्लाई लगने वाला है ऐसा हो सकता है ना कि कुछ सर्किट को आपको कम पावर सप्लाई लगेगा कुछ सर्किट को आपको डी सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा मे बी ए लगेगा राइट ए में भी कुछ वेरिएशन होंगे कुछ सपोज 220 ट्वेंटी मिली एमपियर की रिक्वायरमेंट होगी मे बी टू फिफ्टी मिली एमपियर की रिक्वायरमेंट होगी सो ऐसे कुछ सर्किट्स आपके पास होंगे राइट right? सो so, उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स है दैट इज यूर स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड यूर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर राइट right? सो so, ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है और इसका यूज क्या है सो so, बेसिकली ये जो ट्रांसफार्मर है ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इनपुट रेंज जो आप हमारे इंडिया में अवेलेबल है उसको हमारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेस और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा ओके जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो वोल्टेज और जो फ्रिक्वेंसी है उसको कन्वर्ट करेगा ओके सो यहां पे हम क्या कर रहे हैं ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे आउटपुट देगा दिस इज़ नथिंग बट अवर 230 थर्टी और फिफ्टी हर्स पावर सप्लाई सो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास आपको क्या दिखेगा जो रिक्वायर्ड आपकी रिक्वायरमेंट uh, है जो भी आपकी सप्लाई uh, की रिक्वायरमेंट है आपके सर्किट की सो ट्रांसफार्मर बस उसको कन्वर्ट करने वाला है जो भी एसी सप्लाई आपने अप्लाई किया है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को सो थ्रू ट्रांसफार्मर सेकेंडरी यू आर गोइंग टू चेक आउट द रिक्वायर्ड पावर सप्लाई फॉर यूर सर्किट ओनली सो दैट्स इट ओके ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है फिर दो टाइप है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वो बस आपका जो प्राइमरी सप्लाई है उसको रिक्वायर्ड ए सी सप्लाई जो होगा आपके सर्किट को रिक्वायर्ड उसमें वो कन्वर्ट करने वाला है इसका यूज़ इतना ही है और अगेन यू कैन से दैट कि ये ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल क्या है यू कैन ऑल्सो से दैट कि प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल की वजह से शॉक प्रूफ जो होता है जो शॉक लग सकता है ओके सो दैट इज ऑल्सो Uh, और दैट ऑल्सो यू कैन इंक्लूड और यू कैन हम ऐसा कह सकते हैं कि जो शॉक अगर लग सकता है तो वो भी रिक्वायरमेंट जो है ना ये प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग की वजह से कम हो जाती है राइट सो दैट इज़ यूज ऑफ योर ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली राइट देन ये ट्रांसफार्मर है उसका आउटपुट जा रहा है आपके रेक्टिफायर के पास यू कैन सी हियर रेक्टिफायर में यहाँ पे आपको चार डायोड दिख रहे हैं आपको दिख रहे हैं कुछ लाइन से यहाँ पे चार लाइन से और कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट यहाँ पे दिख रहा है राइट right? अगर किसी को नहीं पता है तो उसको डायोड कहते हैं ओके okay? ये है डायोड नंबर फर्स्ट ये है डायोड नंबर सेकेंड ओके डायरेड नंबर थर्ड एंड ये है डायरेड नंबर फोर और इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर सो अभी के लिए बस ध्यान से सुनो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं अभी की वॉट इज दिस ब्रिज रेक्टिफायर एंड ऑल बिकॉज इन अवर टू सेशन आज के सेशन में हम हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये ब्रिज रेक्टिफायर फुल फुल वेव रेक्टिफायर और यूर हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली होता क्या है और कैसे वर्क करता है राइट सो प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या दिखाया गया है ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे दिखाए दिखाया गया है लेकिन आप आ, अगर आपके सर्किट में फुल वेव रेक्टिफायर है देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस ईयर अगर आपके सर्किट में रिक्वायरमेंट में अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस ओके बट बेसिकली जस्ट चेक आउट ईयर कि यहाँ पे मैंने फोर डायर यूज़ किए हैं जो ब्रिज की तरह यहाँ पे लगाए गए है इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रेक्टिफायर इज नथिंग बट योर ब्रिज रेक्टिफायर ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पे बस रेक्टिफायर करके मैंशन किया है यहाँ पे कोई भी बात मैंशन की नहीं है कि ये ब्रिज है या फुल वेव है या हाफ वेव है राइट right? बस यहाँ पे कंसिडर करो कि रेक्टिफायर क्या है सबसे पहले ओके okay? सो so, रेक्टिफायर का यूज़ क्या है रेक्टिफायर क्या करने वाला है और उसके बाद हम उसके टाइप्स एंड ऑल डिस्कशन करने वाले हैं आज के सेशन में राइट सो रेक्टिफायर क्या करने वाला है जो ए है जो ट्रांसफार्मर में हमारे रिक्वायर्ड ए जो कन्वर्ट किए हमारी सर्किट रिक्वायरमेंट जो फुलफिल की है तो वो ए को हम रेक्टिफायर की मदद से डी में कन्वर्ट करने वाले हैं सो वट इज़ द यूज़ ऑफ़ योर रेक्टिफायर टू कन्वर्ट यूर ए सी इन टू द फ्लक्चुएटिंग डी सी ओके वॉट इज़ ए यूज ऑफ योर रेक्टीफायर टू कन्वर्ट यूर ए सी इन टू दि फ्लक्चुएटिंग डी सी वाई आई एम सेइंग दिस फ्लक्चुएटिंग डी सी मैं यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग वर्ड क्यों एड कर रही हूँ बिकॉज हम तो क्या पढ़ रहे हैं डी सी पावर सप्लाई पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये रेक्टीफायर का यूज़ क्या हो रहा है जो ए सी सप्लायर है उसको हम बस फ्लक्चुएटिंग डी सी में कन्वर्ट करने वाले हैं राइट सो फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएशन क्यों हम बोल रहे हैं बिकॉज यू कैन चेक चेकआउट हीयर यहाँ पे रेक्टीफायर का जो इनपुट है ये कंप्लीट साइन बैव है ओके दैट इज़ नथिंग बट यूर ए सी सप्लाई ओके बट आउटपुट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम ऐसे कुछ वेव्स आपको दिख रही है जिसके निगेटिव पार्ट नहीं है ओके okay? जिसके निगेटिव पार्ट नहीं है बस वी आर गेटिंग द फ्लक्चुएशन ओके ऑन यूर एक्स एक्सिस यू कैन चेक आउट हीयर सो दैट्स वी आर सेग दिस इज़ नथिंग बट द फ्लक्चुएशंस लेकिन हमें पता है कि जैसे मैंने बोला कि हम हम क्या पढ़ रहे हैं अभी डीसी पावर सप्लाई पढ़ रहे हैं सो एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम आपको क्या चाहिए आपको एट द एंड एक ऐसी डीसी लाइन चाहिए आपकी एक डीसी लाइन यहाँ पे आउटपुट में आनी चाहिए बिकॉज ये डीसी पावर सप्लाई आप आपके सर्किट के लिए यूज़ करने वाले हैं सो दैट इज़ यूज़ ऑफ़ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम बट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है फ्लक्चुएशंस मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ़ योर रेक्टिफायर कंसेप्ट जो भी हम सर्किट यूज़ करने वाले हैं रेक्टिफायर के वो आउटपुट में क्या देने वाला है ऐसे फ्लक्चुएशंस देने वाले बट हमें ये चाहिए क्या नहीं बिकॉज ऐसे अगर आप फ्लक्चुएशंस वाले आ, इनपुट uh, अगर आपके सर्किट को दोगे ओके फॉर एग्जांपल आपके सर्किट को अगर 12 वोल्ट कांस्टेंट डीसी के रिक्वायरमेंट है और आपने अगर ऐसे फ्लक्चुएशन वाले इनपुट दे दिए तो आपका सर्किट जो है वो पूरा डैमेज हो जाएगा और वो वर्क नहीं करेगा बेसिकली सो दैट्स वाई हमें क्या चाहिए कंप्लीट एक डी लाइन चाहिए लेकिन रेक्टिफायर क्या दे रहा है हमारे पास ये फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट दे रहा है राइट सो ये फ्लक्चुएशन रिमूव करने के लिए नेक्स्ट ब्लॉक यू हैव टू कंसिडर दैट इज़ नथिंग बट यूअर फिल्टर ओके सो यू कैन चेक आउट यर ये है हमारा नेक्स्ट ब्लॉक ओके दिस फिल्टर सो फिल्टर क्या करने वाला है यहाँ पे कुछ चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कंसेप्ट यहाँ पे वर्क करेगी ओके सो फिल्टर क्या करेगा ये जो पिक पॉइंट है यहाँ पे जाने तक ये कैपेसिटर uh, जो है उसका चार्ज स्टोर करेगा उसके बाद डिस्चार्ज करेगा स्टोर करेगा फिर डिस्चार्ज करेगा ओके सो एट द एंड इंस्टेड ऑफ दिस फ्लक्चुएशन यू विल गेट द वे फॉर्म लाइक दिस ओके यू विल यू विल गेट देव फॉर्म लाइक दिस सो आप यहाँ से यहाँ पे ये यह दो uh, वेव का कंपेरिजन कर सकते हैं अभी प्रीवियसली क्या हो रहा है रेक्टिफायर में हमें कंप्लीट फ्लक्चुएशन मिल रहे हैं लेकिन एट द एंड ऑफ योर फिल्टर आउटपुट एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्टर ब्लॉक वट आई एम सेंग कि यहाँ पे कैपेसिटर हम और कैपेसिटर के कंसेप्ट यूज़ बस कंसिडर कर रहे हैं अभी ये है, अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेसिटर क्या करने वाला है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कंसेप्ट यूज़ करने वाला है यहाँ पे ओके फॉर फॉर द आउटपुट ऑफ योर रेक्टिफायर सो so, रेक्टिफायर का जो पिक वैल्यू है वहाँ तक कैपेसिटर क्या करेगा उसका चार्जिंग स्टोर करके रखेगा जैसे वो पिक डाउन फॉल में जाएगा वैसे वो कैपेसिटर क्या होगा डिस्चार्ज होगा सो so, उसकी वजह से क्या हो रहा है हमें ऐसे एक जिजैक्ट लाइन यहाँ पे मिल रही है इंस्टेड ऑफ दिस फ्लक्चुएशन यू आर गेटिंग द आउटपुट लाइक दिस सो वी कैन से कि ये जो कंप्लीट फ्लक्चुएस फ्लक्चुएशन है यहाँ पे ऑफ योर रेक्टिफायर जो फ़िल्टर ने क्या कर दिए कंप्लीटली रिमूव कर दिए है कम्प्लीटली रिमूव और डिलीट कर दी है जो हमें चाहिए जैसे हमारे रिक्वायरमेंट है हमें कंप्लीट कॉन्स्टेंट डीसी लाइन चाहिए एट दी एंड दैट इज द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम ओनली ओके सो हमें क्या मिल रहा है हाँ यहां पे अगेन कॉन्स्टेंट तो नहीं बोल सकते लेकिन हमें एटलीस्ट ये इंस्टेड ऑफ़ दिस कंप्लीट फ्लक्चुएशन हमें ऐसी कुछ लाइन यहाँ पे दिख रही है जिग्जैक लाइन ओके देन ये जिग्जैक्ट लाइन भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है जैसे मैंने बोला कि हमें क्या चाहिए एक डीसी लाइन चाहिए सो so उसके लिए और एक ब्लॉक हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट यूर रेगुलेटर यू कैन सी हियर रेगुलेटर सो रेगुलेटर का मतलब क्या है रेगुलेट करना है रेगुलेशन करना है रेगुलेटर पता है आपको प्रैक्टिकली uh, और हमारे डे टू डे लाइफ में आपको पता है वो फैन का रेगुलेटर हम यूज़ करते हैं वन पे टू पे थ्री पे राइट सो वहाँ पे क्या हो रहा है आपको वन स्पीड चाहिए तो आप वन पे रख रहे हैं टू की स्पीड चाहिए तो आप टू पे रख रहे हैं राइट सो इन अ सिमिलर वे ये रेगुलेटर क्या करने वाला है ये जो है ये जो रिपल्स यहाँ पे आ रहे हैं ओके okay? ये जो डिस्टोशन यहाँ पे आ रहा है ऑफ योर फिल्टर ब्लॉक वो रिमूव करके हमें कांस्टेंट डीसी सप्लाई जो होगा जो कांस्टेंट डीसी रिक्वायरमेंट है हमारी वो प्रोवाइड करने वाला है ओके सो रेगुलेशन क्या होगा अगर आपके सर्किट को 12 होल्ड डीसी की रिक्वायरमेंट है सो so हमें 12 होल्ड डीसी की लाइन चाहिए अगर आपके सर्किट को 15 होल्ड डीसी की रिक्वायरमेंट है तो 15 होल्ड डीसी की लाइन हमें यहाँ पे चाहिए एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम राइट सो आफ्टर द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक दैट इज योर रेगुलेटर यू आर गेटिंग दिस डी लाइन सो बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की कि एग्जैक्टली इनपुट exactly क्या होगा क्या फ्रिक्वेंसी है उसमें फ्लक्चुएशन क्यों आ रहे है चार्जिंग डिस्चार्जिंग एंड ऑल सो फाइनली हमें क्या मिल रहा है एक डी लाइन मिल रही है ओके okay, सो so ये सब हमने किस लिए पढ़ा है बस एक डी सी के लिए पढ़ा है ओके ए सी टू डी सी कन्वर्जन करने के लिए कौन से कौन से ब्लॉक आपको कंसिडर करने हैं बस ये ब्लॉक डायग्राम उसी के लिए है सबसे पहले क्या आएगा आपके पास ट्रांसफॉर्मर आएगा जो ए सी को रिक्वायर्ड ए सी में कन्वर्ट करेगा उसके बाद क्या आएगा आपके पास रेक्टिफायर आएगा जो आपके ए सी को फ्लक्चुएटिंग डी सी में कन्वर्ट करेगा ओके okay? उसके कुछ टाइप से जो आज हम देखने वाले हैं उसके बाद रेक्टिफायर के बाद कौन सा ब्लॉक आ रहा है आपके पास फिल्टर फिल्टर क्या कर रहा है आपके जो फ्लक्चुएशन है उसको बस कम कर रहा है हमें कुछ जिजैक्ट जिग्जा, लाइन आपके सामने दिख रही है ओके दैट इज योर चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइप की एक लाइन ओके सो अगेन वी हैव टू रिमूव दैट रिपल्स और द डिस्टोरशन सो फॉर दैट पर्पज अगेन हम क्या यूज कर रहे हैं अगेन योर रेगुलेटर ब्लॉक लास्ट में कौन सा ब्लॉक हम यूज करने वाले हैं रेगुलेटर का ब्लॉक यूज करने वाले हैं जो आपको एक डीसी लाइन प्रोवाइड करेगा ओके सो एट दी एंड यू आर गेटिंग दिस डीसी आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि फ़िल्टर स्टेज में आपकी फ़िल्टर कुछ ऐसी इस तरह से अगेन फिल्टर फिल्टर के भी कुछ टाइप्स है जो हम डीप में अगेन आफ्टर योर रेक्टिफायर पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं राइट देन योर रे, योर रेगुलेटर स्टेज यहाँ पे कुछ आई आपको दिखाई दे रही है रेगुलेटर स्टेज के और रेगुलेटर ब्लॉक के भी कुछ टाइप्स है कुछ आईसीज है कुछ आई के नंबर्स है उसके भी कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो हम बाद में पढ़ने चेकआउट करने वाले हैं राइट सो फॉर राइट फॉर दिस पर्टिकुलर डीसी पावर सप्लाई आपको बस ये ब्लॉक डायग्राम याद में रखनी है कि कौन से कौन से ब्लॉक किसके बाद कौन सा ब्लॉक होता है और किसका यूज क्या है बेसिकली ओके okay? और यह ब्लॉक डायग्राम का यूज क्या है इतना याद रखो एग्जाम में बस बाकी कुछ पूछा नहीं जाएगा जस्ट ड्रॉ और एक्सप्लेन दी डी सी पावर सप्लाई ब्लॉक डायग्राम इन डिटेल ओके सो यव टू जस्ट एक्सप्लेन इन यूर ओन लैंग्वेज आपके अपने खुद के लैंग्वेज में भी अभी यह ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं आई होप सो राइट सो लेटस मूव फॉर्व ओके यहाँ पे हमने जैसे कि ट्रांसफार्मर पे से आ, वो ब्लॉक डायग्राम में भी पढ़ा है और यू कैन चेक आउट ही ये है आपकी प्रैक्टिकल इमेज ऑफ योर ट्रांसफार्मर ये है सिंबल ऑफ योर ट्रांसफार्मर जो कंसिस्ट कर रहा है प्राइमरी वाइंडिंग एंड योर सेकेंडरी वाइंडिंग ओके योर प्राइमरी वाइंडिंग पी वन पी टू एंड योर सेकेंडरी वाइंडिंग एस वन एंड एस टू यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड करने वाले हैं टू थर्टी वर्ट फिफ्टी हर्ट्स पावर सप्लाई जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है सो एट दी एंड फाइनली थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग यू आर गोइंग टू गेट दी रिक्वायर्ड ए सी सप्लाई जो आपके सर्किट के लिए रिक्वायर्ड होगा वो एसी सप्लाई जो होगा आप थ्रू दिस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर आप लेने वाले हो राइट थ्रू दिस ट्रांसफार्मर फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ए सी सप्लाई विद दिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एंड वोल्टेज देन एट दी एंड यू विल गेट अगेन द ए सी आउटपुट ऑफ यूर रिक्वायरमेंट दैट इज यूज ऑफ दिस ट्रांसफार्मर राइट ना फॉर योर डी सी पावर सप्लाई चैप्टर ओके सो लेट एस मूव फॉरवर्ड अगेन जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अगेन दो टाइप से ट्रांसफार्मर के स्टेप अप

आपको कुछ क्वेश्चन भी आते हैं और आपको कुछ न्यूमरिकल्स भी पूछे जाते हैं मैं फिर से रिपीट uh, कर रही हूँ कि यह रेक्टीफायर के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि फिलिंद ब्लैंक्स में कुछ वैल्यूज पूछी जाएंगी कि वट इज़ द वैल्यू ऑफ योर रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर लाइक दिस ओके और डैश करके कुछ फिलिंद ब्लैंक्स आपको पूछे जाएंगे सो so, आज का जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें सब कवर करूंगी मैं उसके बाद आपको ऐसे भी एक्सप्लेनेशन में पॉइंट आएंगे कि एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन ब्रिज रेक्टिफायर उसमें आपको बस ये ब्लॉक डायग्राम या सर्किट डायग्राम और उसका वर्किंग एक्सप्लेन करना है राइट right? और न्यूमरिकल्स भी आ सकते हैं जो हम कुछ वैल्यूज और कुछ फार्मूला देखने वाले हैं बेसिक बेसिक फार्मूला है बेसिकली ओके ऐसे कुछ बड़े बड़े फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर सर्किट समझ में आए तो फार्मूला तो बाय हार्ट हो जाएगा आपको ओके सो दैट इज माई गारंटी टू यू अगर आपको ये सर्किट समझ में आएगा तो फार्मूला तो ईजीली आप याद कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा अभी ओके सो लेट स्टार्ट रेक्टिफायर का यूज क्या है फिर मैंने जैसे बोला कि अगर रेक्टिफायर ये एक ब्लॉक है आपके पास ओके दिस इज़ योर रेक्टिफायर ब्लॉक रेक्टिफायर का इनपुट होगा आपके पास एक ए सी सप्लाई ओके रेक्टिफायर का इनपुट होगा आपके पास ए सी सप्लाई और आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है आउटपुट में आपको फ्लक्चुएटिंग डी सी मिलने वाला है सो दैट इज़ द यूज ऑफ़ योर रेक्टिफायर ब्लॉक ओके दैट इज़ द यूज़ ऑफ़ योर रेक्टिफायर ब्लॉक टू कन्वर्ट ए सी द फ्लक्चुएटिंग डी सी सो डोंट फॉर गेट दिस वर्ड दैट इज यूर फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएटिंग डी सी मे बी आपको ये पूछा जाएगा कि रेक्टीफायर कन्वर्ट्स यूर ए सी इंटू द डैश डी सी ओके सो इन दैट केस अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो जस्ट आपको लिखना है फ्लक्चुएशन और फ्लक्चुएटिंग डी सी में कन्वर्ट करने वाला है रेक्टीफायर ओके सो लेट स्टार्ट यहाँ पे आप दिख रहे आपको दिख रहा है कि रेक्टिफायर के यहाँ पे मैंने तीन टाइप्स दिखे लिखे हैं यहाँ पे और टाइप किए फर्स्ट टाइप इज नथिंग बट यू आर हाफ वेव रेक्टिफायर नेक्स्ट टाइप इज यूअर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर एंड द थर्ड टाइप इज नथिंग बट यूर ब्रिज रेक्टीफाई सो मैंने जो रेफ़र किया है और मैंने जो बुक और मैं भी जो रिसोर्सेज रेफ़र किए उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये तीन जो टाइप से ऐसे लिखे अगर आप में मे बी आपके पास कोई और रिसोर्सेस मे भी कोई कुछ और आप रेफ़र कर रहे हैं तो अगर उसमें आपको ये ऐसे दिखा होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ योर फर्स्ट पॉइंट और फुल वेव रेक्टिफायर कुछ करके ऐसे लिखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर ऐसे कुछ बुक्स में ऐसा टाइप में भी होता है इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बोल रही हूँ ओके सो फुल वेव रेक्टिफायर में पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकेंड आता है ऐसे करके सेंटर टैप ऐसे करके वो मेंशन करते हैं ओके okay? सो so, उसमें आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है सेंटर टैप, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर ऐसे भी आप लिख सकते हैं आपके एग्जाम में सो so, अल्टीमेटली आपको बस ये तीन टाइप मेंशन करने हैं दैट्स इट ओनली आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो आप यहां से खाओ यहां से खाओ एक ही बात है राइट right? सो so, क्या करना है आपको तीन टाइप्स बेसिकली मेंशन करने हैं रेक्टिफायर के यूज क्या है रेक्टिफायर का कन्वर्ट ए सी इंटू दी फ्लक्चुएटिंग डीसी बेसिकली तीन टाइप्स है हाफ वेव फुल वेव सेंटर टाइप वेव एंड यूर ब्रिज रेक्टिफायर अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप, आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर पहला वाला पॉइंट फर्स्ट टाइप देन तो सेकंड टाइप क्या होगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो अगेन फुल वेव रेक्टिफायर के दो टाइप्स क्या होंगे आपके पास सेंटर टाइप वेव रेक्टिफायर एंड यूअर ब्रिज रेक्टिफायर बेसिकली राइट सो दैट इज दीज आर दाइप्स ऑफ यूर रेक्टीफायर जो हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं आज ओके सो लेट इस मूव फॉरवर्ड सो हम टाइप नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखने वाले आई होप सो दिस डायग्राम इज नॉट विजेबल टू ऑल ऑफ यू राइट सो दिस इज दे फॉर्म और दिस इज नथिंग बट द इनपुट सिग्नल ओके दिस इज नथिंग बट यूर इनपुट ए सी सिग्नल जो आप रेक्टीफायर को अप्लाई करने वाले हो सो so किसको अप्लाई करेंगे करेंगे आप ये ये है आपका सर्किट जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर दिस फर्स्ट सर्किट फर्स्ट ओके ये जो पहला वाला सर्किट है हाफ वेवर रेक्टिफायर का ध्यान से सुनो अगर ये समझ में आया ना तो बाद में जो भी जो सर्किट में बोलने वाली हो, फुल वेव के और मे बी ब्रिज रेक्टिफायर का तो आपको बहुत बहुत ईजी लगेगा ओके और ये भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बस डायग्राम आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है ओके कुछ भी नहीं है जो हमने पहले डिस्कस किया है ना वही डायग्राम यहाँ पे रिपीट हो रही है बस या, बस यहाँ पे हमने सिम्बॉल यूज़ किए है वहाँ पे हमने ब्लॉक डायग्राम देखी थी और इंस्टेड ऑफ दैट ब्लॉक यहाँ पे आपको क्या करना है बस सिम्बॉल ड्रॉ करने हैं ओके दैट्स इट ओनली

उसके बाद ये जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज नथिंग बट यूर हाफ वेव रेक्टिफायर दिस इज नथिंग बट यूर हाफ वेव रेक्टिफायर सो हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों नाम यहाँ पे दिया गया है ए जो है चेक आउट हियर ध्यान से सुनो हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट क्या है हमारे पास ए सी मतलब पॉजिटिव साइकिल निगेटिव साइकिल ए होगी राइट यहाँ पे होगा आपके टाइम पीरियड यहाँ पे होगी मे बी वोल्टेज और करंट राइट ज़ीरो ये होगा आपका इनपुट ए ओके आउटपुट में हमें क्या चाहिए जैसे मैंने बोला है कि आउटपुट जो होगा आपका रेक्टिफायर का वो होगा फ्लक्चुएटिंग डीसी फ्लक्चुएशन मिलने वाले हैं आपको राइट right? सो so यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है ऐसा कुछ आउटपुट आपको मिलेगा ओके ऐसा आउटपुट मिलेगा एक आउटपुट यहाँ पे ऐसे मिलेगा फिर ये ब्लैंक जाएगा फिर आपको ये फिर से एक आउटपुट मिलेगा फिर ब्लैंक जाएगा फिर आपको फिर से आउटपुट मिलेगा मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको मिलने वाली है ओके निगेटिव हाफ साइकिल हम यहाँ पे स्किप करें और ये जो वर्किंग है उसके बाद हमें ये आउटपुट मिलने वाला है मैं डिस्कस करने वाली हूँ डोंट वरी आपको लगेगा कि सीधा हम यहाँ पे आउटपुट पर जम हैं सो डोंट वरी अबाउट दैट हम क्यों यहाँ पे डिस्कस करें बिकॉज नाम इज हाफ वे रेक्टिफायर नाम क्या है आपका रेक्टिफायर का यहाँ पे हाफ वे रेक्टिफायर हाफ क्यों बोला है बिकॉज यू आर गेटिंग ओनली हाफ साइकिल हीयर इकल सो दैट्स वाई द नेम इज हाफ योर रेटीफायर ओके रेक्टीफाई होकर हमारे पास क्या आ रहा है? Only half cycle आ रही है और निगेटिव पार्ट जो वो हो के जा रहा है वो डिलीट होकर सो इसका जो डिसम कवर करने वाले नेक्स्ट रेक्टीफायर में लेकिन सबसे पहले डिसडवांटेज क्या है वो पहले पता होना चाहिए उसके बाद हम जम्प करेंगे नेक्स्ट रेक्टीफायर में राइट सो यह है हमारा इनपुट और आउटपुट में क्या आ रहा है आपके पास ये फ्लक्चुएटिंग डीसीआर हाँ आपको आउटपुट में दे रहा है राइट सो लेट स्टार्ट विद ऑपरेशन नाउ यह आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डायोड ओके अगर आपको नहीं पता है तो इसको बोलते हैं डायोड ओके सो इन सिंपल लैंग्वेज क्विकली हम देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly डायोड के कंसेप्ट क्या है डायोड को दो टर्मिनल्स होते हैं एनोड एंड कैथोड ओके दिस इज योर प्लस टर्मिनल दिस इज नथिंग बट योर नेगेटिव टर्मिनल ओके दिस इज नथिंग बट योर निगेटिव टर्मिनल एनो डायोड के दो टर्मिनल्स होते हैं ध्यान से सुनो एनोड एंड कैथोड एनोड बोला तो पॉजिटिव कैथोड बोला तो निगेटिव ध्यान से सुनो एनोड इज पॉजिटिव कैथोड इज निगेटिव अगर इसको आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव सप्लाई दिया और निगेटिव को निगेटिव सप्लाई अगर प्रोवाइड किया तो ये डायोड एज अ क्लोज स्विच एक्ट करता है वो अभी आपके दिमाग में आएगा कि स्विच मतलब ये आपको पता है ना स्विच ऐसे ड्रॉ करते ओपन स्विच बोला तो ऐसा रहेगा क्लोज स्विच मैंने बोला तो ऐसा रहेगा और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा अगेन यू कैन चेक आउट योर रेगुलर और योर डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल लाइक सपोज़ मैंने आपको बोला कि जस्ट जाओ और फ़ैन ऑन करो राइट right? तो आप क्या करोगे जाओगे रेगुलेटर जो है उसके आपको जो स्पीड चाहिए वो फ़ैन की वो सेट करोगे उस, उसके बाद क्या करोगे आप सीधा फ़ैन का बटन ऑन करोगे ऑन करने के बाद क्या क्या हो रहा है कहा आपका फ़ैन ऑन हो रहा है अगर मैंने बोला कि फ़ैन बंद करो तो आप क्या करोगे सीधा जाओगे और फैन का बटन ऑफ कर दोगे राइट सो ऑन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है दिस वन आपका स्विच क्लोज़ हो रहा है ओके okay, उसके बाद आपको आउटपुट में फैन ऑन हो, होते हुए दिखाई दे रहा है राइट अगर आप में आपने जाके वो फैन का बटन ऑफ कर दिया तो वहाँ पे क्या हो रहा है ओपन स्विच हो रहा है सो so, उसके बाद क्या हो रहा है आपका फैन ऑफ हो रहा है सो सेम कंसेप्ट यू कैन अप्लाई फॉर अंडरस्टैंडिंग परवज ऐसे एग्जाम में मत लुखो प्लीज़ बस मैंने ये समझने के लिए बोला है आपको कि ऑन एंड ऑफ के कंसेप्ट कैसे वर्क करेगी आपकी डायोड को बिकॉज ये डायोड जो है ना ये मेजर पार्ट है हमारे रेक्टिफायर सर्किट का ओके okay? हर एक सर्किट में हमें ये डायोड का कंसेप्ट समझ में आया तो आप ये इजीली इसका वर्किंग वेरी इन सिंपल लैंग्वेज आप खुद से लिख सकते हो ओके ऐसा कोई भी किताब सामने रखने की कोई ज़रूरत नहीं आप से सर्किट ड्रॉ करो और खुद से आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि इसको ये सप्लाई ऑन प्रोवाइड किया तो डायर एज अ क्लोज स्विच एक्ट एक्ट करेगा या फिर ओपन स्विच एक्ट करेगा और आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है राइट सो दैट्स एम सेइंग ये ध्यान से सुनो ओके okay? डायोड को दो टर्मिनल्स है पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर आपको पॉजिटिव को पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव को नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड किया तो क्या कैसे एक्ट करेगा एज अ क्लोज स्विच वो एक्ट करेगा एज अ क्लोज स्विच वो एक्ट करेगा ओके okay? और अगर आपने रिवर्स सप्लाई अप्लाई किया ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आपने अगर निगेटिव सप्लाई दिया और जो निगेटिव टर्मिनल है उसको आपने अगर पॉजिटिव सप्लाई ऐड किया सप्लाई दिया तो उस वो उसके बाद क्या करेगा वो एज अ ओपन स्विच एक्ट करेगा ओके उसके बाद वो एज अ ओपन स्विच एक्ट करेगा मतलब आउटपुट में आपको जीरो मिलेगा रिवर्स सप्लाई उसको मिलेगा तो आउटपुट में डायोड का जो आउटपुट होगा उसको आपको जीरो वोल्ट मिलेगा अगर आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव निगेटिव को निगेटिव दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको एज अ क्लोज स्विच और जो भी इनपुट होगा वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा वो एज अ स्विच करके एक्ट हो रहा है दैट्स इट ओनली ओके स्विच मतलब यूर बटन ऑन एंड ऑफ ओके सो सेम सप्लाई दिया तो वो स्विच ऑन होगा रिवर्स सप्लाई दिया तो स्विच क्या होगा ऑफ हो जाएगा दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर डायोड हियर। हर एक रेक्टिफायर में यही कंसेप्ट अप्लाई होने वाली है ओके okay? सो so, इसके बोलते हैं अगर सेम सप्लाई हुआ तो बुकिश लैंग्वेज में आपको एक वर्ड वहां पे मेंशन होगा यू कैन जस्ट आउट योर बुक्स एल्सो वहाँ पे एक वर्ड मेंशन होगा दैट इज नथिंग बट योर फॉरवर्ड बाइसिंग एंड योर रिवर्स बाइसिंग कंसेप्ट आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ योर डायड बिकॉज डायट के ऊपर मैंने मुझे बोलना है तो फिर से हमें एक सेपरेट लेक्चर लेना पड़ेगा हमारे पास उतना टाइम नहीं आगे राइट सो दैट्स दट्स एम सेइंग से बस ये बातें याद रखो यही याद रखा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओनली ओके सो यहाँ पर मैंने क्या बोला है अभी अगर डायोड को सेम सप्लाई और पॉजिटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू नेगेटिव दिया तो क्या होगा डायोड फॉरवर्ड बायस में जाएगा और रिवर्स सप्लाई अगर दिया तो डायोड जो है आपका रिवर्स uh, बाइसिंग में जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग मीन्स ऑन रिवर्स बाइसिंग मीन्स ऑफ अभी के लिए बस इतना ही याद रखो राइट ओके सो यहाँ पे हमने अगेन जस्ट स्विच टू योर मेन सर्किट अगर डायोड का वर्किंग आपको समझ में आया होगा तो वी कैन स्विच टू दिस पर्टिकुलर सर्किट नाम ओके यहाँ पे इस सर्किट में कुछ भी नहीं है आप देखो यहाँ पे बस एक डायोड है और एक रजिस्टर है रजिस्टर को क्या नाम नहीं? यहाँ पे लिखा है आर्यल एल मतलब योर मतलब योर लोड ओके आर्यल इज़ नथिंग बट योर लोड रजिस्टर ओके okay? जो भी इनपुट है आप उसको ये लोड रजिस्टर को अप्लाई करने वाले हो ओके okay? उसके अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा सो दैट इज यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर हाफ वेव रेक्टिफायर ओके सो ये जो है हमारा इनपुट 230 थर्टी वोल्ट ए जो हमारे ट्रांसफार्मर के पास गया है ट्रांसफार्मर में क्या किया है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी थ्रू सेकेंडरी हमें जो रिक्वायर्ड ए है वो हमें मिलने वाला है बाद में हम ये रेक्टिफायर सर्किट का जो है डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टिफायर का पहला टाइप हम देख रहे हैं दैट इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ पे एक डायोड मैंने ड्रा किया है और आप दिख रहे हैं यहाँ पे एक डायोड है जो कि है फॉरवर्ड कंडीशन में ये है एनोड और नेक्स्ट टर्मिनल इज यूर कैथोड जहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है वो होती है कैथोड जहाँ पे वर्टिकल लाइन है वो होती है एनोड बस ध्यान से सुनो ओके सो so, उसके बाद यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है रजिस्टर ड्रॉ किया है ये दोनों सीरीज में है अगर दोनों सीरीज में है एक के बाद दूसरा मैंने ड्रॉ किया उसको बोलते हैं सीरीज और दोनों अगर एक के नीचे दूसरा मैंने ड्रॉ किया तो उसको बोलते हैं शंट या पैरल ओके सो so, एक के बाद मैंने दूसरा ड्रॉ किया है रजिस्टर उसको क्या बोलेंगे आप सीरीज में ड्रॉ किया है अगर मैंने यहाँ पर रजिस्टर ड्रॉ किया तो उसको क्या बोलेंगे आप शंट में है या फिर पैरल में है ओके ऐसे वर्ड आपके बुक में है इसलिए मैं बोल रही हूँ ओके बिकॉज आप जब पढ़ोगे और मे बी आप जब सुनोगे कुछ और तो उस वक्त आपको ये वर्डिंग समझ में आएगी और आपके सामने होगी कि सीरीज एंड पैरल तो कन्फ्यूजन होगा कि सीरीज पैरल क्या है इसलिए मैं बोल रही हूँ ओके सो so यहाँ पे क्या हो रहा है फिर ये डायड को हम डायड के सीरीज में क्या लगाया हमने एक लो, लोड रजिस्टर लगाया दैट इज़ योर आर्यल ओके सो so हमने क्या किया फिर ये ए और बी यहाँ के यहाँ पे यहाँ के ए और बी के पास आपके पास क्या आ गई है एक ए सी रही है क्यों ए सी रही है बिकॉज ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है ए सी टू ए सी कन्वर्जन कर रहा है लेकिन वो रिक्वायर्ड ए सी में कर रहा है राइट जो हमारे सर्किट को रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से वो कन्वर्ट करके हमें ए सी प्रोवाइड कर रहा है ओके सो रेक्टिफायर क्या करने वाला है ए सी टू डी सी करने वाला है लेकिन रेक्टिफायर के पास अभी के लिए क्या है ए सी इनपुट है राइट सो ए जो है वो है पॉजिटिव ये है आपकी पॉजिटिव साइकिल ये है आपकी निगेटिव साइकिल राइट सो ए जो होगा वो होगा पॉजिटिव और बी जो होगा वो होगा आपका निगेटिव ओके okay, सो so जैसे मैंने बोला कि ए अगर पॉजिटिव पॉइंट पे है सो so डायोड का ये कौन सा टर्मिनल है एनोड वाला डायोड का टर्मिनल कौन सा है कैथोड वाला सो so यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पॉजिटिव को पॉजिटिव दे रहे हैं दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन और यू आर गोइंग टू टर्न ऑन दिस पर्टिकुलर स्विच ओके जो स्विच की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे डायोड ओके सो दिस पर्टिकुलर component इज एक्टिंग एज अ स्विच here, राइट दिस डायोड इज एक्टिंग एज a स्विच here. सो so, ये स्विच हम क्या कर रहे हैं ऑन कर रहे हैं बिकॉज पॉजिटिव सप्लाई यहां पे जा रहा है ओके okay? सो so, यहाँ पे क्या होगा ये diode क्लोज स्विच करके एक्ट होगा राइट right? सो so, जैसे ये क्लोज होगा फिर यहाँ पे क्या होगा जो भी आपका आउटपुट है जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट है यो, वो मिलेगा यहाँ पे वी आउट किसके अक्रॉस मिलने वाले है आपको आर के एक्रॉस मिलने वाला है आर एल इज नथिंग बट यूर रजिस्टर लोड ओके सो वी आउट में क्या मिलने वाला है आपको एक आउटपुट वेफॉर्म मिलने वाली सो so मैंने क्या किया है पहले पॉजिटिव सप्लाई बोल रही हूँ ना मैं दट मीन्स यूर पॉजिटिव हाफ साइकिल पहली हाफ साइकिल जो है यहाँ पे जा रही है पॉजिटिव है वो डायोड को ऑन कर रही है सो so आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है पॉजिटिव आउटपुट मिलने वाला है आउटपुट में क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पे वी आउट में एक पॉजिटिव साइकिल मिलने वाली है ओके okay? उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी नेक्स्ट कंडीशन इज दिस वन ओके निगेटिव साइकिल भी हमारे पास दैट मीन्स तब क्या होगी एक की कंडीशन ए निगेटिव होगा और बी तब पॉजिटिव होगा ओके सो ए निगेटिव मतलब क्या होगा वो डायोड को रिवर्स बाइसिंग में भेजेगा रिवर्स बाइसिंग मतलब डायोड को पॉजिटिव चाहिए ऑन करने के लिए लेकिन हमारे पास निगेटिव साइकिल है निगेटिव सप्लाई जा रहा है डायोड के एनोड को लेकिन वो क्या होगा वो डायोड एज अ ओपन स्विच करके एक्ट करेगा दैट मीन्स योअर स्विच इज ऑफ कंडीशन यूर स्विच इज इन दी ऑफ कंडीशन अगर वो स्विच ऑफ है ओके okay, ये स्विच ऑफ है तो आउटपुट में कुछ मिलेगा कि आपको नहीं मिलेगा दैट मीन्स यू विल गेट ओनली वन लाइफ ओके सो जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से आपको ये पॉजिटिव हाफ साइकिल एज इट इज़ मिलेगी बिकॉज डायोड तक ऑन हो रहा है ओके एज अ ऑन कंडीशन में एक्ट कर रहा है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायोड क्या हो रहा है आपका डायोड ओपन स्विच करके एक्ट हो रहा है ओपन मतलब आपको जीरो आउटपुट मिलने वाला है जीरो आउटपुट मिलेगा मतलब आपको यहाँ पे सीधा एक लाइन ड्रॉ करने वाली है जीरो लाइन मिलेगी सीधा सिंपल ओके सो नेक्स्ट साइकिल फिर से एक्ट होगी पॉजिटिव साइकिल मिलेगी फिर से आपको जीरो मिलेगा अगेन पॉजिटिव साइकिल मिलेगी आउटपुट में अगेन जीरो मिलेगा समझ में आया बच्चों बहुत बहुत ईजी है डायोड बस आपका एज अ ओपन स्विच या क्लोज स्विच एक्ट करने वाला है ओके पॉजिटिव साइकिल जब जाएगी तो आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा जब नेगेटिव साइकिल जाएगी तो आपको जीरो आउटपुट मिलेगा दैट्स इट ओके सो आउटपुट में क्या मिलने वाला है हमें हाफ एवर रेक्टिफायर के आउटपुट में ऐसा फ्लक्चुएशन मिलने वाला है ओके सो दैट्स वाई वी आर से हाफ एवर रेक्टिफायर में हमें नेगेटिव जो साइकिल है नेगेटिव आउटपुट जो है वो वेस्ट हो रहा है हमारा ओके सो दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर हाफ एवर रेक्टिफायर ओके उसकी वजह से हमें नेक्स्ट रेक्टिफायर जो है उसको पढ़ना पड़ेगा उसको स्टडी करना पड़ेगा उसका इसका जो डिसडवाटेज है वो नेक्स्ट वाला जो हमारा सर्किट uh, होगा वो कवर करेगा राइट सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ स्टडी दिस दीज आर द एडवांटेजेस सी सेम जैसे मैंने बोला है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जब होगी उसके हिसाब आप से आपको पॉजिटिव इनपुट आउटपुट मिलेगा जब निगेटिव साइकिल होगी तब आपको ये सिंपल जीरो लाइन मिलेगी। ओके इसलिए इन्हें सिमिलर यू आर यू आर गेटिंग द डी सी आउटपुट ऑफ योर हाफ वेअ रेक्टिफायर ये होगा आपका हाफ वेअ रेक्टीफायर का आउटपुट ये है आपका हाफ वेवर रेक्टीफायर का आउटपुट यहाँ पे क्या हो रहा है आपको निगेटिव साइकिल मिल ही नहीं रही ओके निगेटिव साइकिल का पार्ट जो है कंप्लीट डिलीट होकर जा रहा है ओके okay, बेस्ट हो रहा है पूरा सो लेटेस सी वन बाय वन द एडवांटेजेस एंड डिस एडवांटेजे भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम में कैसे आता है फिर एक्सप्लेन योर हाफ आवर एक्टीफायर ओके विद हेल्प ऑफ दी नीट एंड क्लीन डायग्राम तो आपको वो सर्किट डायग्राम जो मैंने अभी बताई उसको ड्रॉ करना है बस एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी स्टडी किया है दो बस वो दो तीन पॉइंट दो तीन पॉइंट में आप बस आपकी खुद के लैंग्वेज में बोल सकते हो कि एक्सप्लेनेशन कैसे देना है और उसके बाद आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने कभी कभी ऐसा भी आएगा कि जस्ट एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर हाफ वेव रेक्टिफायर तो बस ये पॉइंट आपके सामने है बस आपको लिखने ओके अगर इस सर्किट समझ में आया तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं आप खुद के मन से लिख सकते हो ओके सो लेट अस सी कि एग्जैक्टली exactly एडवांटेजेस क्या है योर हाफ वेव रेक्टिफायर के सो so, यहाँ पे ओनली वन डायोड यूज़ हो रहा है और एक ट्रांसफारमर यूज़ हो रहा है ओके सो सर्किट के रिक्वायरमेंट क्या है ओनली वन डायोड एंड योर ट्रांसफॉर्मर ओके सो कॉम्पोनेट लेस लेस है मतलब एक सर्किट uh, की कॉस्ट ऑब्वियसली कम होगी ओके सो दैट इज द एडवांटेज ओके देन ट्रांसफॉर्मर इज नॉट इसेंशियल फॉर योर हाई वोल्टेज रेक्टिफायर ओके ट्रांसफॉर्मर बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं है अगर हाई वोल्टेज रेक्टिफायर में वो यूज़ हो रहा है तो देन नेक्स्ट इज द सर्किट इज वेरी सिंपल एंड लो कॉस्ट जैसे मैंने बोला है कि अगर सर्किट कॉम्पोनेंट लेस है तो ऑब्वियसली सर्किट की कॉस्ट जो होगी वो लो होगी उसके बाद पिक इनवर्स वोल्टेज इज वीपी सो वीपी क्या होता है वीपी इज नथिंग बट यूर पिक वोल्टेज ओके पिक इनवर्स वोल्टेज इज नथिंग बट यूअर वीपी सो दिस इज नथिंग बट यूर वीपी हा ध्यान से सुनिए इसके इसके ऊपर ही आपको क्या आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं तीन तीन चार चार मार्क्स के लिए आपके इसके ऊपर ही न्यूमरिकल आए एक की वैल्यू दी जाएगी और दूसरे की वैल्यू बस पूछी जाएगी आपको ये अगर फॉर्मूला पता है कि पिक इनवर्स वोल्टेज क्या है हाफ यूर रेक्टिफायर का दैट इज योर वी पी दैन डायरेक्टली आप जो वैल्यूज दिए होंगे आपके क्वेश्चन uh, में उसके हिसाब से उसके आंसर लिख सकते हैं ओके सो पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ योर हाफ यूर रेक्टिफायर इज नथिंग बट यूर वी पी दट इज योर पिक वोल्टेज दिस वन अगर ये टू वोल्ट है तो पिक इनवर्स वोल्टेज इज नथिंग बट यूअर टू वोल्ट अगर ये फोर वोल्ट है तो पिक पिक इनवर्स होल्टेज इज नथिंग बट यूअर फोर वोल्ट दैट्स इट समझ में आया देन नेक्स्ट पॉइंट इज आई थिंग बट यूर डिसएडवांटेजेस सो डिसडवांटेजेस में क्या है द आउटपुट ऑफ योर हाफ योर एक्टीफायर इज लेस बिकॉज ओनली हाफ साइकिल एपियर्स इन द आउटपुट सो इट इज वी डी सी इज इक्वल टू वी पी डिवाइडेड बाय पाए ये जो है ना ये ध्यान से सुनिए इसके ऊपर आपको जनरली न्यूमरिकल्स पूछे जाएंगे ओके okay? हाफ वेव हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो या फिर योर ब्रिज रेक्टिफायर हो ये ये जो है ना फॉर्मूला इसके ऊपर आपको न्यूमरिकल्स पूछे जाते हैं बस आपको वैल्यू देखनी है कौन से वैल्यू प्रोवाइड किए वैल्यू पुट डाउन करो और रिमेनिंग वैल्यू को कैलकुलेट करो दैट्स इट ओके सो वी क्या है यूर डीसी वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाई योर पाई ओके ये है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डीसी आउटपुट वोल्टेज तो यहाँ पे क्या बोल रही है कि द आउटपुट ऑफ योर हाफ यूर रेक्टिफायर इज लेस ओके क्यू लेस है बिकॉज निगेटिव साइकिल हमें मिल ही नहीं रहे ओके सो दैट इज अ डिसएडवांटेज ओके दैट इज अ डिसएडवांटेज वी कैन कंसिडर सो देर इज अ वेस्टेज ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल वोल्टेज ऑब्वियसली देन सिंस रिपल फ्रिक्वेंसी इज लो देर इज मोर रिपल्स दैट रिजल्ट इन अ पुअर क्वालिटी डी सी मोर फ्लक्चुएशंस रिजल्ट इन मोर परसेंट रिपल ये ध्यान से सुनो ये वाला पॉइंट सो सबसे पहले रिपल क्या होता है ओके सो रिपल इज नथिंग बट ओके द फ्लक्चुएशंस ओके रिपल इज नथिंग बट द फ्लक्चुएशंस ऑफ योर ए सी दैट अपियर्स इन टू योर डी सी आउटपुट फ्लक्चुएशंस ऑफ यूर एसी इनपुट दैट अपियर्स इन यूर डी सी आउटपुट ए सी के जो फ्लक्चुएशंस है जो डीसी आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है उसमें जो आ रहे हैं उसको बोलते हैं रिपल और रिपल की जो आंसर होती है रिपल जो हमेशा आंसर में आता है वो परसेंट में आता है ये ध्यान से सुन रही मे बी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है और मे बी समटाइम्स आप कैलकुलेट भी करोगे तो उसमें याद रखना है कि रिपल अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो रिपल की वैल्यू हमेशा परसेंट में आपको लिखनी है कि टू परसेंट है फाइव परसेंट है टेन परसेंट है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है ओके सो so, रिपल कैसे रिपल क्या है फिर पार्ट ऑफ योर एसी दैट अपेयर इनटू द डीसी आउटपुट एसी की वैल्यू जो है ओके फ्लक्चुएटिंग एसी जो है वो आपके डीसी आउटपुट में आ रहा है उसको बोलते हैं रिपल्स सो so इसमें क्या हो रहा है हाफ हाफवेअर रेक्टिफायर में मोर रिपल्स है ओके मोर रिपल्स है इसका मतलब क्या है आपकी परसेंट रिपल की वैल्यू मोर होगी सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ योर हाफ हाफेर रेक्टिफायर ओके सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ नेक्स्ट रेक्टिफायर सर्किट दैट इज नथिंग बट योर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर जैसे मैंने बोला कि फुल वेव रेक्टिफायर के दो टाइप्स हो गए सेंटर टैप और मे बी योर ब्रिज रेक्टिफायर और सीधा अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो सीधा लिख दो सेकंड टाइप इज नथिंग बट योर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप क्यों बोलांट है सेंटर पॉइंट सो दैट इज वाई वी आर एडिंग दैट वर्ड दैट इज योर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर ओके अगेन यहां पे सेम है यहाँ का जो पार्ट है ना ये पार्ट ये हर एक सर्किट के लिए सेम होगा ए सी सप्लाई थर्टी होल्ड एन फिफ्टी हल्ड ए सी सप्लाई आप अप्लाई करोगे उसके बाद ट्रांसफार्मर यहाँ पे होगा ट्रांसफार्मर अगेन यहाँ पे ए सी जो आपका um, और रिक्वायर्ड जो है आपको प्रोवाइड करेगा और उसके बाद आपका रेक्टिफायर सर्किट यहाँ से एक्ट करने वाला है राइट सो प्रीवियस सर्किट में क्या था ओनली वन डायोड था और एक आर्यल लोड था अभी फुलवेर रेक्टिफायर में क्या हो रहा है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो दो डायोड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं डायोड नंबर वन एंड डायोड नंबर सेकेंड सो दैट्स वाई डी वन एंड डी टू करके आपको यहाँ पे लिखना है बाकी पूरा सर्किट सेम है बस इंस्टेड ऑफ वन डायोड आपको क्या करना है एक और डायोड यहाँ पे ऐड करना है और प्रीवियस सर्किट में क्या किया था हमने यहाँ पे एक आर्यल लोड दिखाया था लेकिन वो आर्यल लोड मैंने यहाँ पे दिखा है बस इतना ही है ओके okay? डिफरेंस क्या आ रहा है बस एक डायोड ऐड करो और आर्यल लोड कैसे दिखाना है एक सेंटर पॉइंट लेके यहाँ पे वो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करो और यहाँ पे आर्यल लोड लिखो उसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिलने वाला है दैट इज द डिफरेंस सर्किट याद में रखने के लिए भी बहुत बहुत ईजी है ओके दैट्स वे एम कंपेयरिंग दिस पर्टिकुलर फुल वेवर एक्टिफायर विथ योर हाफेर एक्टिफायर सर्किट सो आपको बाय uh, हार्ट करने की जरूरत नहीं है रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि एक्जक्टली हाँ इसके बाद क्या ड्रॉ करना है ओके जस्ट चेकआउट ए सी इनपुट ट्रांसफॉर्मर उसके बाद एक डायोड हो तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर दो, दो डायोड अगर है तो आपका फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर है तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ड्रा करो उसके एक्रोस आपको आर एल का लोड दिखाना है और उसके एक्रोसअप को आउट मिलने वाला है ओके सो दिस इज नथिंग बट यूर फुल वेव रेक्टिफायर सो इसका वर्किंग कैसे होने वाला है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ओके चेक आउट हियर ओके प्रीवियस डायग्राम के ऊपर ही हम देखेंगे ओके सो नाउ चेक हियर सबसे पहले अगेन यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास ए सी इनपुट जो है प्लस एंड माइनस ये जाएगा आपके ए और बी पॉइंट बी पॉइंट के पास जो होगा आपका रेक्टिफायर रेक्टिफायर का इनपुट राइट ये होगा, voltage, जो होगा आपका वोल्टेज ये होगा मे बी आपका टाइम को एक जीरो वोल्ट सो यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट हाफ साइकिल एंड नेक्स्ट इज यूर नेगेटिव हाफ साइकिल पहले क्या होगा फर्स्ट हाफ साइकिल जा रही मतलब यहाँ पे होगा ए पॉजिटिव एंड बी होगा निगेटिव नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा ए निगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा इतना ही ध्यान में रखो ओके okay? उसके हिसाब से आपके ये वर्क होने वाला है सो so, सबसे पहले अगर ए पॉजिटिव है तो ये डायोड डी वन क्या होगा एज अ क्लोज स्विच एक्ट करेगा बिकॉज प्लस को प्लस जा रहा है दैट्स वाई डी वन क्या होगा एज अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जाएगा और ये क्या होगा ये फिर यहाँ पे बी क्या है माइनस में है लेकिन ये क्या है डायोड क्या है यहाँ पे प्लस और माइनस सिंपलिसिटी के लिए मैं ये ये भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सो so आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा ओके हमारे पास सप्लाई क्या है प्लस एंड माइनस ए इज़ पॉजिटिव बी इज नेगेटिव ओके सो डी वन को हम क्या कर रहे हैं पॉजिटिव को पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स योर डी वन विल एक्ट एज अ क्लोज स्विच बटन ऑन होने वाला है यहाँ पे ओके okay? ऑन होने वाला है मतलब सीधा ये क्लोज स्विच करके एक्ट करेगा लेकिन रिवर्स में क्या हो रहा है डी टू को डी टू का अगर आप देखो पैरेलली उसके पैरेलली डी टू भी है आपको दोनों को भी सोचना पड़ेगा प्रीवियसली कैसे था हमारे पास एक ही डायोड था लेकिन यहाँ पे दो डायोड है अगर दो है तो आपको दोनों के भी ऑपरेशन पैरेलली देखने पड़ेगा एक के बाद दूसरा कैसे एक्ट करने वाला है राइट सो बी क्या होगा यहाँ पे बी इज नेगेटिव राइट लेकिन डायोड का ये जो टर्मिनल है वो है पॉजिटिव ओके okay? सो so ये जो है डायोड डी टू वो रिवर्स बायस में जाएगा रिवर्स बायस मीन्स ये जो है ये एज ए ओपन स्विच करके एक्ट करेगा ओके okay, ये एज अ क्लोज स्विच करके ऐड कर रहा है ओके okay? ये है क्लोज स्विच ये है ओपन स्विच ओके तो सर्किट में जो आपका वोल्टेज है जो भी आपका करंट वोल्टेज होगा वो कैसे ट्रैवल करने वाला है फिर ओके यू कैन चेक आउट हीयर ये होगा योर क्लोज स्विच यहाँ से जाएगा आपका जो भी आउटपुट है यहाँ से जाएगा फिर आर के पास जाएगा ओके okay? और फिर यहाँ से जाके सेंटर टैप के पास जाके ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा ओके okay. यहाँ से वो फ्लो हो रहा है क्या ये जो है ये एज अ क्लोज स्विच करके एक्ट हो रहा है तो यहाँ से आपको कोई भी वोल्टेज या करंट जो होगा आपका सर्किट का वो फ्लो नहीं हो रहा है कैसे जा रहा है वो जो क्लोज स्विच हो रहा है जो फर्स्ट वाला यू आर डी वन डायोड इज एक्टिंग एज अ क्लोज स्विच वहाँ से जाएगा फिर यूर आर एल के पास जाएगा फिर यहाँ से जाके यूर सेंटर टैप का जो पॉइंट है वहाँ पे जाके यूर सर्किट इज गोइंग टू कम्प्लीट ये सर्किट ऐसे आपका कंप्लीट हो रहा है फिर बाद में आउटपुट में आपको कैसे आउटपुट मिलने वाला है आउटपुट में आपको फर्स्ट हाफ साइकिल में मिलेगा ऐसे आउटपुट ओके फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको ऐसा आउटपुट मिलने वाला है फिर नेक्स्ट में कैसा होगा ओके नेक्स्ट कंडीशन कैसी होगी फिर आपकी चेकआउट डे सल्सो नेक्स्ट कंडीशन कैसी होगी जैसे मैंने बोला अभी नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास फिर से वही है ओके okay? फिर से वही साइकिल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहले का आउटपुट हमारे पास ऐसे आया है ऑलरेडी राइट ये हमारा पहला वाला आउटपुट अभी नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव साइकिल है तो ए क्या होगा आपका नेगेटिव होगा और बी जो होगा वो होगा पॉजिटिव ओके okay? सो so, यहाँ पे अगेन डायोड के टर्मिनल के क्या है नोटेशन प्लस एंड माइनस सो यहाँ पे ए निगेटिव है लेकिन डायोड का डी जो टर्मिनल है वो है पॉजिटिव सो so, ये वाला डायोड अभी क्या होगा रिवर्स बायसिंग में जाएगा दैट मीन्स वो एज अ ओपन स्विच करके एक्ट करेगा ये होगा ओपन अगर ये ओपन है तो यहाँ से करंट या फिर आपको वोल्टेज फ्लो होगा क्या नहीं होगा ऑब्वियसली ये जो है ये एज अ ओपन स्विच करके एक्ट हो रहा है ओके okay? सो so, यहाँ से करंट फ्लो होगा क्या नहीं होगा सो पैरेलली यू हैव टू चेक आउट कि एग्जैक्टली डी टू के पास क्या हो रहा है सो so, यहाँ पे यू कैन सी बी का जो चार्ज है वो क्या है अभी पॉजिटिव है और डायोड डी टू का जो है ये है एनोड टर्मिनल सो पॉजिटिव को पॉजिटिव जा रहा है दैट मीन्स दिस डायोड इज एक्टिंग एज अ क्लोज स्विच फॉरवर्ड बायस में ये जा रहा है अभी ये जा रहा है रिवर्स बायसिंग में समझ में आ रहा है आपको ओके एज अ क्लोज स्विच एंड ओपन स्विच ही हम बस देख रहे हैं बाकी कुछ भी उसमें डिटेल में नहीं जा रहे ओके सो करंट जो होगा और मे बी आपका जो वोल्टेज होगा करंट होगा वो आपका कैसे सर्किट में फ्लो होगा फिर यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से जाएगा ओके okay? फिर यहां से जाएगा यहां से जाएगा ओके okay? यहां से जाके ये पॉइंट को अटैच होगा ओके सो दिस सर्किट विल एक्ट लाइक दिस ओके फॉर योर नेगेटिव हाफ साइकिल ओके सो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपको ऐसा आउटपुट मिलने वाला है क्यों मिलने वाला है बिकॉज एट दैट टाइम योर डायोड डी टू इज गोइंग इन टू द फॉरवर्ड बाइसिंग स्टेज फॉरवर्ड बाइसिंग मीन्स दैट इज एक्टिंग एज अ क्लोज स्विच पहले वाले डायोड में क्या हो रहा था एक ही डायोड था इसलिए आपको नेगेटिव साइकिल नहीं मिल रही थी लेकिन ये डायोड ये केस में फुल वेवर एक्टिफायर में हमारे पास दो डायोड है इसलिए क्या हो रहा है जो नेगेटिव साइकिल थी जो हमें मिल नहीं रही थी हाफ हाफवेवर एक्टिफायर में जो डिसएडवांटेज था वो हम ओवरकम कर रहे हैं इन केस ऑफ योर फुल फुलवेवर एक्टिफायर समझ में आ रहा है आपको सबको क्या हो रहा है फिर हमें निगेटिव साइकिल में भी ऐसा आउटपुट मिल रहा है जो हमारा डिसएडवांटेज था हाफ हाफवेअर एक्टिफायर का वो हमने कहाँ पर डिस ओवरकम कर दिया है आपने ओवरकम कर दिया है वो फुल वेअर एक्टिफायर के केस में समझ में आ रहा है आपको ओके सो दिस इज द आउटपुट ओके दिस इज दउटपुट वेव फॉर्म ऑफ योर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट में ऐसा कुछ होगा दिस इज द दी इनपुट और आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है ऐसे कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन मिलने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग डी सी मिलने वाला है इन केस ऑफ योर फुल वेव रेक्टिफायर ओके सो लेट अस मूव फॉरवर्ड हम देखते हैं आगे ओके नेक्स्ट स्लाइड पे हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने के लिए मिलेंगे सो लेट एस स्टार्ट विद द एडवांटेजेस ऑफ यूर फुल वेवर रेक्टीफायर देखो यू कैन चेक आउट पहले हाफ साइकिल में डी वन एक्ट हो रहा है इसलिए आउटपुट में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है नेक्स्ट हाफ निगेटिव साइकिल में डी टू एक्ट हो रहा है इसीलिए आपको फिर से एक साइकिल मिल नेक्स्ट uh, आउटपुट में ऐसा डी टू की वजह से आपको फिर से आउटपुट मिल रहा है इसकी वजह से आपको फ्लक्चुएटिंग डी सी मिल रहा है दट इज योर आउटपुट ऑफ योर फुल वेव रेक्टीफायर ओके सो पहला पॉइंट क्या है मोर डी सी वोटेज दैन योर हाफ वेयर रेक्टीफायर मोर डी सी वोल्टेज मतलब दिस ओके निगेटिव साइकिल में भी आपको आउटपुट मिल रहा है दैट मीनस मोर वोल्टेज यू आर गेटिंग ओके

ओके सो हियर इन दिस केस फुल यूर रेक्टिफायर में रिपल क्या होंगे कम होंगे एज कम्पेयर टू योर हाफ याफर रेक्टिफायर क्यों होंगे वो सो इन केस ऑफ योर हाफ योर रेक्टिफायर एफ इन क्या होगा हाफ यूर रेक्टिफायर का फिफ्टी हर्ट्स होता है ओके एफ इन ऑफ योर हाफ हाफ यूर रेक्टिफायर इज हाफ़ योर रेक्टिफायर इज फिफ्टी हर्ट्स लेकिन एफ इन ऑफ योर फुल योर रेक्टिफायर इज ट्वाइस ऑफ एफ इन ट्वाइस ऑफ एफ इन मीन्स टू इन टू फिफ्टी हर्ट्स सो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको हंड्रेड हर्ट्स ओके सो ये होगी आपकी एफ इन की वैल्यू ओके दिस इज नथिंग बट एफ इन वैल्यू ऑफ योर फुल वेवर रेक्टिफायर सो दैट्स वाई रिपल्स जो होंगे वो लेस होंगे एज कम्पेयर टू योर हाफ वेवर रेक्टिफायर ओके देन अगेन रिपल फैक्टर वैल्यू क्या है यहाँ पे रिपल फैक्टर वैल्यू ऑफ योर फुल फुलर रेक्टिफायर इज पॉइंट फोर इट ओके ये ध्यान से सुनना और याद में रखना कि एफ इन इज दे इनपुट फ्रिक्वेंसी फॉर यूर ऑफ़ योर एक्टिफायर ट्वाइस ऑफ एफिन इज दी फ्रिक्वेंसी ऑफ योर फुल व्यवर रेक्टिफायर पॉइंट फोर एट वैल्यू ध्यान में रखो एट दी एंड में फिर से ये रिपीट करने वाली हूँ एक आ, टेबल में हम देखेंगे कि तीनों आ, रेक्टिफायर का डिफरेंस क्या है बिकॉज ये फिल्म द ब्लैंक्स में भी आता है और एक्सप्लेनेशन के लिए भी आता है इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार ओके okay? फिर उसके बाद ओनली टू डायोड्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ यूर फुल वेव रेक्टिफायर आप अगर सर्किट देखो तो दो ही डायोड हमने यूज़ किए इंस्टेड ऑफ ओनली वन डायोड दो डायोड है ओके सो डिसएडवांटेजेस क्या है फिर सेंटर टैप के सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर इज नेसेसरी विच इज विच इंक्रीज द कॉस्ट ओके सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर हमें यूज कर रहा है करना पड़ रहा है इन केस ऑफ यूर फुल वेव रेक्टिफायर जो सेंटर में हमने सी पॉइंट देखा था ना उसके एक्रॉस हमें आउटपुट मिल रहा था ओके okay? सो so, उसके सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा है इसलिए वो हम एज अ डिसएडवांटेज करके कंसडर कर रहे हैं फॉर यूर फुल वेव रेक्टिफायर देन पिक इनवर्स वोल्टेज फॉर यूर

ये ऐसे फॉर्मूला इसके बेस्ट ओके इसके इसके ऊपर आपको जनरली एग्जाम में तीन मार्क्स के या चार मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जैसे मैंने पहले भी बोला है सो स्टिल रिपल इज देयर सो आउटपुट इज़ फुल वे ऑफ पल्सेटिंग डीसी सो आउटपुट में क्या हो रहा है रिपल से ये कंप्लीट ऐसा हो रहा है कि हमें एक डी लाइन मिल रही है एट डी एंड हमारे रिक्वायरमेंट क्या है हमें एक डी लाइन चाहिए लेकिन हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है फ्लक्चुएशन आ रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है क्या नहीं है ओके okay, लेकिन अभी हम रेक्टिफायर ब्लॉक के पास ही है इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है डीसी लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है फ्लक्चुएशन मिल रहे हैं दैट इज योर फ्लक्चुएटिंग डीसी सो दैट इज असो द डिसएडवांटेज दैट वी कैन कंसीडर ओके सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ ओके सो लास्ट रेक्टिफायर थर्ड टाइप है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ओके थर्ड टाइप इज नथिंग बट यूर ब्रिज रेक्टिफायर सो ब्रिज रेक्टिफायर में भी ये वाला पॉइंट सेम है स्टार्टिंग जो पॉइंट है वही सेम एज इट इज जो सप्लाई है टू थर्टी वन फिफ्टी अप्लाई करो देन ट्रांसफार्मर अपने सर्किट के हिसाब से वो एसी को रिक्वायर्ड एसी में कन्वर्ट करेगा सो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको ऐसी एक साइकिल मिलेगी पॉजिटिव निगेटिव वनस अगेन यू हैव टू कंसिडर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ए पॉजिटिव होगा बी निगेटिव होगा अगेन निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ए निगेटिव हो जाएगा बी पॉजिटिव हो जाएगा सेम कंडीशन हमें अभी कंसिडर करनी है यहाँ पे डिफरेंस क्या है अभी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ़ फोर मे बी टू डायोड और मे बी वन डायोड यहाँ पे हमें चार डायोड यूज करने पड़ रहे पड़ रहे हैं राइट सो यू कैन जस्ट रिकॉल सबसे पहली वाली स्लाइड में आपको मैंने दिखाया था कि चार डायोड अगर इस हिसाब से आपने लगाए हो तो उसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर सो प्रैक्टिकली जनरली ब्रिज रेक्टिफायर मोस्टली आपको सुनने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया गया है बिकॉज सीधा वहाँ पे चार डायोड लगाने की जरूरत नहीं है ब्रिज रेक्टिफायर का एक ब्लॉक आता है जैसे डायोड आता है ना वैसे सीधा एक ब्लॉक आता है आप सीधा वो आपके सर्किट में लगा सकते हो सो दैट्स वाई प्रैक्टिकली वी आर सेम ब्रिज रेक्टिफायर हम यूज करते हैं ओके सो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड्स होते हैं चार फुल वेव वे रेक्टिफायर में कितने डार्ट्स होते हैं दो और हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डार्ट होते हैं वन ये होता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन ओके okay? सो so, ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड कौन से कौन से हैं डायोडी वन डी टू डी थ्री एंड डी फोर सो so, वो एक्ट कैसे करने वाले हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे जस्ट वन मिनट सो लेट अस स्टार्ट ओके सो यहाँ पे का डायोड का डायरेक्शन एक बार फिर से देख लो ओके okay? डायोड डी वन डी टू डी थ्री एंड डी फोर ये होगा डायोड डी वन का प्लस टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल ये होगा ये देखो ये जो दो डायोड है ना ये पैरेलल में लगाए हैं पैरेलल मतलब ये दो डायोड की डायरेक्शन जो है वो सेम है प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ये ड्रॉ करते टाइम आपको ध्यान से ड्रॉ करना है अगर ये डायोड की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी तो वर्किंग आप कितने भी रट्टा मार लो या फिर याद में या फिर रिकॉल करो आपका एक्सप्लेनेशन पूरा गलत हो जाएगा तो याद में कैसे रखना है ड्रॉ करते टाइम ये जो दो डायोड है डी वन और डी थ्री ये आपको पैरेलल में ड्रॉ करने हैं ओके ये रिमेनिंग टू डायोड जो होंगे वो भी आपको पैरल में ड्रा करने हैं कौन से डायोड सो डायोड डी वन एंड डी थ्री पैरल डायोड डी टू एंड डी फोर इज ऑल्सो पैरल टू ईच अदर पैरल मतलब क्या है ये दोनों के डायरेक्शन सेम है ओके okay? ये दोनों के डायरेक्शन सेम है ओके okay? ये ध्यान से सुनो और ध्यान से ध्यान में रखो क्योंकि ये आपको एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करनी है तो इसके ऊपर ही पूरा एक्सप्लेनेशन डिपेंड है आपका ये अगर गलत हो गई तो एक्सप्लेनेशन पूरा गलत होगा डायग्राम का आउटपुट भी आपके सामने नहीं आएगा ओके okay? सर्किट का आउटपुट भी नहीं आएगा ओके सो so, यहाँ पे क्या है चार डायोड है डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी वन डी थ्री पैरल में है ये दोनों के डायरेक्शन सेम है और डी टू डी फोर पैरल में ये दोनों के डायरेक्शन सेम है ओके फिर उसके बाद सीधा ये आरियल का लोड लगाना है यहां से और उसके एक्रॉस आपका आउटपुट मिलने वाला है राइट सो लेट स्टार्ट नाउ ये हो गया हमारी पॉजिटिव ये एक साइकिल ओके दिस वन इज आवर साइकिल जो है आपके ट्रांसफार्मर का आउटपुट ओके सो so, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास ए पॉजिटिव होगा पहली कंडीशन में और बी निगेटिव होगा ओके सो ए अगर पॉजिटिव है ए का सप्लाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है यहाँ पे आएगा राइट right? यहाँ पे वो यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा यू कैन चेक आउट है यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या वो इसी दा, इसी के डायरेक्शन में जाएगा ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज ये सेंटर पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट में आके क्या हो रहा है ये सप्लाई यहाँ पे भी जाएगा ये ब्रांच uh, में भी जाएगा और ये वाली ब्रांच में भी जाएगा राइट सो ये ब्रांच में क्या है डी का जो है फर्स्ट वाला पॉइंट है ये जो है डायोड का फर्स्ट वाला टर्मिनल इज़ पॉजिटिव लेकिन ये जो डी है उसका टर्मिनल है निगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव दिया तभी वो एज अ क्लोज स्विच या फिर फॉरवर्ड बाइसिंग में जाएगा सेम सप्लाई दिया तो रिवर्स सप्लाई दिया तो वो एज अ ओपन स्विच करके एक्ट करेगा ये हमने हाफ एवर एक्टी से मैं कंटिन्यूसली रिपीट कर रही हूँ ओके बार बार आपको मैं रिपीट कर रही हूँ शायद आप बोल भी रहे होंगे कि बार 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 क्यों रिपीट करें बिकॉज ये सर्किट का एक्सप्लेनेशन कम्प्लीट कम्प्लीटली इसी के ऊपर है ओके फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग दैट इज़ योर ओपन एंड क्लोज स्विच ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर ए अगर पॉजिटिव है तो वो डायोड डी वन को ही क्या होगा एज अ क्लोज स्विच करके एक्ट करेगा ये डी फोर क्या हो रहा है आपका ओपन स्विच करके एक्ट हो रहा है ओके okay? फिर उसके बाद सप्लाई जाएगा यहाँ पे ओके डी टू भी क्या करेगा एज अ ओपन स्विच करके एक्ट करेगा फिर आपका सप्लाई जो है जो आपका करंट या वोल्टेज हो यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से जाके वो ट्रैवल कर रहा है सीधा यहाँ पे जाएगा ओके okay? यहाँ पे भी क्या मिल रहा है हमें पॉजिटिव मिल रहा है दैट मीन्स दिस डायोड विल एक्ट एज अ क्लोज स्विच ये भी क्या होगा क्लोज स्विच करके एक्ट होगा फिर आपका सर्किट जो है ऐसा करके कंप्लीट हो जाएगा ओके okay? आपका सर्किट जो है ऐसा करके कंप्लीट हो जाएगा आपको दिख रहा है यहाँ पे यू कैन चेक आउट हीर सिंप्लिसिटी के लिए बस ये रेड लाइन फॉलो करो कि पहली हाफ साइकिल में आपका कौन सा कौन सा डायोड ऑन होने वाला है और सर्किट का आउटपुट कहाँ से कैसे मिलने वाला है ओके सो ए पॉजिटिव होगा तब आपके कौन से दो डायोड एक्ट होने वाले हैं डायोड डी वन एंड D3 ये क्लोज होने वाले हैं और ये रिवर्स में है रिवर्स बाइसिंग में है तो ये एज अ ओपन स्विच करके एक्ट होंगे सो सर्किट का ट्रैवलिंग जो होगा ओके वोल्टेज या करंट कैसे फ्लो होगा आपका यहाँ से जाके D1 को जाएगा फिर RL को जाएगा RL से फिर यहाँ पे D3 को जाएगा फिर यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाएगा सो so, आउटपुट में क्या मिलने वाला है आपको आउटपुट में आपको फिर से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी ओके okay? इसमें क्या होने वाला है डायोड डी वन एंड डी थ्री विल एक्ट एज अ क्लोज स्विच ओके उसकी वजह से आपको ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलने वाली है ओके okay? देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन में क्या होने वाला है ए निगेटिव होगा यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये निगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे क्या होगा ए निगेटिव होगा और बी हमारा पॉजिटिव होगा ओके okay? अभी क्या होगा ये निगेटिव सप्लाई जाके यहाँ पे जाएगा सो so, यहाँ पे क्या है डायोड की कंडीशन इज पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव सो so, ये जो है डायोड डी वन एंड डी थ्री यहाँ पे क्या होगा एज ए ओपन स्विच करके एक्ट हो गए ओके okay? डायोड डी वन एंड डी थ्री विल एक्ट एज ओपन स्विच दैट मीन्स जो रिमेनिंग टू डायोड्स है वो क्या हो गया एज अ क्लोज स्विच करके एक्ट होंगे लेकिन वो आपको देखना है रट्टा मत मारो यू कैन जस्ट गो थ्रू दी डायग्राम एक्जैक्टली पॉजिटिव कहाँ पे जा रहा है पॉजिटिव अगर यहाँ पे जा रहा है तो डायोड डी वन एक्ट होगा अगर नेगेटिव सप्लाई है तो डायोड डी फोर एक्ट होगा राइट right? यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव की वजह से डायोड डी फोर एक्टिंग में आ रहा है राइट right? यहाँ पे क्या होगा फिर वो यहाँ से जाएगा सीधा ओके थ्रू दिस यहाँ पे जाएगा सॉरी जस्ट वन मिनट है ओके सो यूर नेगेटिव सप्लाई इज़ गोइंग हीयर वो क्या कर रहा है आपके डी फोर को ऑन कर रहा है राइट डी फोर को ऑन कर रहा है उसके बाद क्या होगा डी थ्री तो ऑफ ऑफ में रहेगा ओके okay? सो so सीधा वो यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ से ट्रैवल करेगा आर्यल के पास फिर यहाँ पे भी आपका क्या है डायोड का जो टर्मिनल ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव तो ये डी टू भी आपका क्या होगा ऑन होगा फिर यहाँ पे जाके आपका सर्किट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा सो नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 वन एंड डी एक्ट कर रहे थे इसकी वजह से आपको आउटपुट में क्या मिल रहा था एक पॉजिटिव वे मिल रही थी ड्यू टू योर D1 वन एंड डी थ्री डायोड ओके एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो रहा है निगेटिव हाफ साइकिल में योर डायोड D4 फोर एंड योर डायोड D2 टू इज़ एक्टिंग एज अ क्लोज स्विच जो फॉरवर्ड बाइसिंग में जा रहे हैं राइट right? D2 टू एंड डी फोर इज गोइंग इन टू द फॉरवर्ड बाइसिंग सो इसकी वजह से आपको नेक्स्ट हाफ साइकिल मिलेगी सो so यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डी टू एंड डी फोर की वजह से हमें नेक्स्ट ट्रिपल मिल रहा है नेक्स्ट next... आउटपुट मिल रहा है राइट सो दिस इज द आउटपुट ऑफ़ योर ब्रिज रेक्टिफायर फुल योर रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वैसा ही मिलेगा लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है बोलना है कि कौन से दो डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में जा रहे हैं और कौन से दो रिवर्स बाइसिंग में जा रहे हैं अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में जा रहे हैं तो उसका फ्लो कैसा रहेगा डायग्राम में आपको ये बताना पड़ेगा ओके okay? कभी कभी ऐसे डायग्राम भी आ सकती है उसमें भी पूछा जा सकता है कि फ्लो कैसा होगा ओके okay? सो so, उसके हिसाब से मैं आपको ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दे रही हूँ कि फ्लो कैसा जाएगा आपके वोल्टेज और करंट कैसा फ्लो होगा यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको इट इज़ वेरी वेरी इजी आपको डायोड को अगर डायोड का कंसेप्ट क्लियर है डायोड आपने अभी अभी जो मैंने बोला ध्यान से सुना हो देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि ये जो फ्लो है वो कैसा जाएगा वेरी इजी बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है डायोड के टर्मिनल्स ध्यान में रखने हैं कि वो कैसे ऐड करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव अगर चार्ज उसको मिल रहा है तो फॉरवर्ड बैसिंग में जा रहे हैं निगेटिव चार्ज मिल रहा है तो वो रिवर्स बैसिंग में जा रहे हैं फॉरवर्ड बैसिंग में है तो वो क्लोज स्विच करके एक्ट होंगे अगर रिवर्स बैसिंग में है तो वो ओपन स्विच करके एक्ट होंगे ओके

यू कैन ऑल्सो चेकआउ इन योर बुक्स आल्सो जो आपने अभी देखा है वही बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा इन यूर डायग्राम्स ओके यू कैन चेकआउट यूर यहाँ पे बस ऐसा लग रहा है कि कौन सा कहाँ पे जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है इसकी वजह से मैंने वो जो रेड लाइन थे ना वो ड्रॉ करके दिखाई थी कि एग्जैक्टली exactly कौन से डायवर्ट का एक्ट होने वाले हैं ओके सो यहाँ पे यू कैन चेकआउट ये इनपुट था आपका और आउटपुट में आपको ये पलसेटिंग डी सी मिल रहा है फ्लक्चुएटिंग डी सी मिल रहा है राइट थ्रू यूर ब्रिज रेक्टीफायर पहले वाले में डी वन डी थ्री एक्ट हो रहे और दूसरे वाले में डी टू डी फोर एक्ट हो रहे हैं सो फाइनली आपको एक फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट मिल रहा है राइट सो एडवांटेजेस क्या है फिर ब्रिज रेक्टिफायर के मोर डीसी आउटपुट वोल्टेज है देन यूर योर रेक्टीफायर सो वी डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वीपी डिवाइडेड बाय पाई वी डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वीपी डिवाइडेड पाई हियर ऑल्सो दैट इज द एडवांटेज सो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं राइट देन उसके बाद रिपल इज लेस बिकॉज रिपल फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ एफ एन हियर हियर इज ऑलसो फ एक्टीफायर की रिपल क्या होगी ट्वाइस ऑफ एफ इन एफ इनकी वैल्यू क्या है फिफ्टी हर्ट सो टू इन टू फिफ्टी हर्ट्स इज इक्वल टू हंड्रेड हर्ट्स अगर हंड्रेड हर्ट्स है तो उसका रिपल क्या होगा लेस होगा सो रिपल फैक्टर क्या है इसका प्रिज वेअर एक्टिफायर का भी रिपल फैक्टर होगा पॉइंट फोर एट राइट देन सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर इज नॉट रिक्वायर्ड हियर दैट मींस लो कॉस्ट ऑफ यार्मर सो यू कैन चेकआउट हियर हमने वो सेंटर टैप वाले कंसेप्ट यहाँ पर यूज नहीं किए बस चार डॉयड यूज़ किए राइट देन लास्ट द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ योर द पीक इनवर्स वोल्टेज इज वीपी सो बिकॉज मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर इज वीपी इन ब्रिज रेक्टिफायर सो पीक इनवर्स वोल्टेज आई पी एर्स एक्रॉस यूर टू डायर्ड्स सो पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो आपके दो डायर्ड के एक्रॉस आ रहा है सो दैट इज ऑल्सो द एडवांटेज राइट सो लेट अस मूव फॉरवर्ड डिसएडवांटेजेस क्या है पहले वो क्विकली देख लेते हैं उसके बाद हम कंपैरिजन लेंगे ओके सो ब्रिज वेव रेक्टिफायर का पहला डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे बेसिकली आपको चार डायोड यूज कर रहे हैं ओके दैट डिसएडवांटेज हम बोल नहीं सकते और यू कैन एलिमिनेट दिस डिसएडवांटेज अगर आपको मेंशन नहीं करना है तो आप नहीं बोल सकते बिकॉज चार डायोड की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी राइट सो वी कैन से दिस इज नॉट एक्जैक्टली द डिसएडवांटेज राइट लेकिन ये सेकंड वाला पॉइंट यू हैव टू कंसिडर सो ये सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है सिमिलरली फॉर ईच ईच हाफ साइकिल टू डायोड्स आर कंडक्टिंग बोथ डायोड्स आर इन सीरीज विथ यूर आर्यन

एट ए टाइम पॉजिटिव हाफ साइकिल में वन और थ्री एक्ट हो रहे हैं और निगेटिव हाफ साइकिल में टू और फोर एक्ट हो रहे राइट सो right? so, हर एक डायड के अक्रॉस पॉइंट सेवन होल्ड का क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है लॉस होता है ओके okay? एक डायड के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप क्या है पॉइंट सेवन होल्ड अगर दो डायड एक्ट हो रहे हैं ओके सो दूसरे डायड का भी वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा पॉइंट सेवन होल्ड अगर इसकी आप एडिशन करो तो आंसर में क्या आएगा वन पॉइंट फोर होल्ड सो अगर ये सर्किट में आ, दो डायोड्स एक्ट हो रहे हैं तो उसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 1.4 पॉइंट होल्ट आउटपुट में आपको जो भी आपका आउटपुट होगा उसमें से ये वन पॉइंट होल्ट माइनस हो जाएगा अगर आप ये रेक्टिफायर सर्किट वेरी लो वोल्टेज पावर सप्लाई के लिए अप्लाई कर रहे हो ओके एंड इन दैट केस 1.4 पॉइंट होल्ट माइनस हो रहा है तो वो सर्किट एक्ट नहीं करेगा बिकॉज दो वोल्टेज, दो डायोड के आपका 1.4 माइनस हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? पे so, पे होगा, ब्रिज रेक्टिफायर हम जनरली यूज नहीं करते। फाइनल स्टेज और दिन पॉइंट यू कैन कंसिडर समझ में आया हो तो बस सीधा सीधा अगर मैंने ये पॉइंट बोला तो आप सीधा अभी आंसर बोल सकते ये, ये अगर मैंने पूरा ब्लैंक कर दिया और मैंने ये बोला कि यहाँ पे कितने डायोड है तो ये आपको लिखना है अगर समझ में आया होगा तो यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं है ओके सो यू कैन स्टार्ट नाउ नंबर ऑफ डायोड क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर में वन है फुल वेव रेक्टिफायर में टू है और ब्रिज रेक्टिफायर में फोर है नेक्स्ट पैरामीटर इज नीड ऑफ योर सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बस हमने फुल वेव रेक्टिफायर में यूज़ किए थे ब्रिज रेक्टिफायर में जरूरत नहीं है और हाफ वेव रेक्टिफायर में भी जरूरत नहीं है फुल वेव रेक्टिफायर में इसेंशियल राइट देन नेक्स्ट इज पीक इनवर्स वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ योर हाफ एवर रेक्टिफायर इज वी पी फुल वेअ रेक्टिफायर में ट्वाइस ऑफ वी पी एंड योअर ब्रिज रेक्टिफायर में वो है वी पी वी पी क्या होता है यूर पीक होल्टेज ऑफ योर वेव ओके देन एवरेज वैल्यू ऑफ यूर डी सी आउटपुट होल्टेज इज वी पी बाय पाए इन केस ऑफ यूर फुल वेअ रेक्टिफायर, ट्वाइस ऑफ वी पी बाय पाए इन केस ऑफ यूर ब्रिज रेक्टीफायर इट इज ऑल्सो ट्वाइस ऑफ वीपी बाय पाए ये पॉइंट बस ध्यान में रखो इसके ऊपर कैल्कुलेशन पार्ट आएगा ओके okay? देन उसके बाद रिपल फ्रिक्वेंसी क्या है हाफ एवर की फिफ्टी से इसकी वजह से आपको रिपल्स जो है ज्यादा मिल रहे हैं इनके सॉफ्टवेयर हाफ एक्टी रेक्टिफायर उसको ओवरकम किया है हमने फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में बिकॉज यहाँ पे रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है ट्वाइस ऑफ एफ इन ने दट इज योर हंड्रेड हर्ट्स ओके देन नेक्स्ट इज योर करंट थ्रू योर डायोडिस यहाँ पे है आईडीसी और योर आईएल आईएल इज नथिंग बट योर लोड करंट राइट देन यहाँ पे आईडीसी डिवाइडेड बाय टू है और आईवी डिवाइडेड बाय टू यहाँ पे भी सेम आईडीसी बाय सी टू और योर आईवी बाय टू ये भी ध्यान में रखो कैलकुलेशन पार्ट के लिए देन ये जो लास्ट वैल्यू है ना ये बस रट्टा मार लो सीधा सीधा ओके okay? अगर ध्यान में नहीं रहा हो तो सो रिपल फैक्टर क्या है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21 है और फुल और योर ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या है 0.48 ये कैलकुलेशन पार्ट पता है तो ये भी कैलकुलेट करके आ जाता है लेकिन अगर नहीं करना है तो ये वैल्यूज द्या, बस ध्यान में रखो ये फिल इन द ब्लैंक्स में जनरली पूछे जाते हैं ओके सो ये क्या है रिपल फैक्टर ऑफ योर हाफ वेव रेक्टिफायर इज वन और फुल वेव का है पॉइंट और ब्रिज रेक्टिफायर का भी क्या है पॉइंट सो दीज आर दम्पेरिजन पॉइंट्स ऑफ योर ऑल रेक्टीफायर सर्किट्स सो उसके बाद का हमारा ब्लॉक क्या था नेक्स्ट ब्लॉक इज अवर फिल्टर एंड योर वोल्टेज रेगुलेटर सो डीसी पावर सप्लाई की जरूरत क्या है हमें सो बेसिकली डी सी पावर सप्लाई क्या करेगा अगर हमारे पास इंडिया में टू थर्टी होल्ड फिफ्टी हर्स पावर सप्लाई है राइट right? और हमें क्या है जरूरत है हमें अगर डी सी सप्लाई की जरूरत है ओके फॉर आवर सर्किट वी नीड द डी सी सप्लाई द डीसी कॉन्स्टेंट लाइन फॉर आवर सर्किट ओके टू ऑपरेट तो uh, वो केस में हमें क्या चाहिए वी हैव टू कन्वर्ट दैट टू थर्टी 50 फिफ्टी हर्ड्स ए सी इंटू द डी सी फॉर्मैट तो इतना ईजिली हो, हो सकता है कि कि एक डिवाइस या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है वो ईजिली बस आपके ए सी को डी सी में कन्वर्ट करेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है राइट यू हैव टू टेक लॉट ऑफ कॉम्पोनंट्स और द इंस्ट्रूमेंट्स इन बिटवी फॉर कन्वर्टिंग योर ए सी इंटू द डी सी ओके सो प्रीवियसली हमें हमने क्या किया था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक ब्लॉक डायग्राम देखी थी व्लॉक डायग्राम आपको समझ में आई होगी मुझे ऐसा लगता है अभी अगर वो ब्लॉक डायग्राम आपको समझ में आई है तो आज की भी आपको बहुत बहुत ईजी लगेगी सो so, हमने कल के सेशन में क्या देखा था प्रीवियस पार्ट वन में हमने क्या देखा यूर ट्रांसफॉर्मर कंसे तो रेक्टिफायर में अगेन हमने तीन टाइप्स देखे थे हाफ वेवर रेक्टिफायर फुल वेवर रेक्टिफायर एंड यूर ब्रिज रेक्टिफायर सो ये दोनों का कंसेप्ट और ये दो ब्लॉक्स का यूज क्या था ट्रांसफॉर्मर आपका एसी जो था वो रिक्वायर्ड एसी में कन्वर्ट कर रहा था और आपका जो रेक्टीफायर uh, uh, है मे बी आ इधर फुल वेव रेक्टिफायर मे यर हाफ वेव रेक्टिफायर मे बी ओर ब्रिज रेक्टिफायर उसका यूज़ क्या हो रहा था वो बस आपके ए को डी में कन्वर्ट कर रहा था लेकिन उसका ड्रॉबैक का था का क्या हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में रेक्टिफायर अगर आपके एसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर रहा है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे पास अभी डीसी है चलो हम ये डीसी सप्लाई यूज़ करेंगे और हमारा सर्किट जो है वो वर्क करने लगेगा ऐसा नहीं होगा राइट सो so, आपको क्या करना पड़ेगा अभी जो हमारे पास पल्सेटिंग डीसी आया है आउटपुट जो आया था रेक्टिफायर के बाद जो हमने कल डिस्कस किया था कल के लेक्चर में हमारे पास आउटपुट कैसे आए थे ऐसे आउटपुट आए थे राइट मे बी आइर डी वन डी टू जो भी डायड हमने देखे थे फुल वेव हाफ वेर रेक्टिफायर के केस में राइट right? तो आउटपुट में हमें ऐसे पलसेटिंग आउटपुट मिले थे तो हम इसको क्या बोल रहे थे हमारे पास पलसेटिंग डी सी आउटपुट अवेलेबल है आफ्टर दी आउटपुट ऑफ योर रेक्टिफायर ब्लॉक वी हैव दिस पर्टिकुलर पलसेटिंग डी सी आउटपुट विथ अस लेकिन हम इसको डी सी बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते है. जिसको नहीं भी बताना वो भी बोलेगा कि यह आउटपुट नहीं है वाई बिकॉज एवरी वन नोज की क्या है DC की रिक्वायरमेंट सिंगल straight line okay you have to maintain you have to achieve this particular straight line through your complete functional block diagram then and then only you can say that okay, we have the dc output with us हम क्या बोल सकते हैं कि एट दी एंड अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो ही आप बोल सकते हैं कि हमारे पास एक डी लाइन है और डी सप्लाई है ओके okay? सो so, इसको बोल सकते हैं कि हम कि हमारे पास डी सप्लाई आ चुका है आफ्टर दी आउटपुट ऑफ़ योर रेक्टिफायर नहीं बोल सकते राइट right? सो so, हमें क्या करना पड़ेगा अभी सो so, रेक्टिफिकेशन के बाद जो ये पल्सेटिंग डी आउटपुट हमारे पास आया है सो so, इसके अंदर का जो ए पार्ट है इसके अंदर भी जो रिपल्स है वो हमें अभी रिमूव करने हैं वन बाय वन तो इन कंटिन्यूशन विथ आवर पार्ट वन ओके इन कंटिन्यूशन विन कंटिन्यूशन विथ अवर प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस सेशन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा अभी यूर फिल्टर्स ओके सो फिल्टर की ज़रूरत क्या है अभी जैसे हमने आई थिंक एट द टाइम ऑफ योर फंशन फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम मैंने बोला था कि फिल्टर और अभी उसके बाद हम रेगुलेटर देखने वाले हैं ओके सो फिल्टर का कंसेप्ट क्या है बेसिकली ये जो रिपल से यहाँ पे अवेलेबल है ओके दिस इज द आउटपुट ऑफ योर रेक्टिफायर विच वी हैव गॉड इन आवर नेक्स्ट इन आवर प्रीवियस सेशन राइट दिस इज नथिंग बट योर रेक्टिफायर कंसेप्ट रेक्टिफायर आउटपुट ओके सो रेक्टिफायर आउटपुट क्या दे रहा है हमारे पास ये पल्सेटिंग डी आउटपुट दे रहा है दिस इज नथिंग बट यूर पल्सेटिंग डी आउटपुट ओके okay. सो so, हमें क्या चाहिए एक डीसी लाइन चाहिए यहाँ पे दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट हमें आइडियली क्या चाहिए यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट डी सी लाइन चाहिए क्यों डी सी लाइन चाहिए अगर आपके पास कोई सर्किट है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है और मे बी मे बी आप कुछ सर्किट जैसे कि सपोज़ वीडियो रिकॉर्डर में भी ऑडियो रिकॉर्डर है और उसको क्या चाहिए सपोज़ ट्वेल्थ होल्ड डी सी कॉन्सटेंट सप्लाई की जरूरत है अगर आपने ये सप्लाई उसको दे दिया तो क्या होगा वो सर्किट जो है पूरा डैमेज हो सकता है वो ओके okay, वो वर्क भी नहीं करेगा और मे भी वो कंप्लीटली डैमेज हो सकता है तो ऐसा हमें चाहिए क्या हर एक हर एक बार आपको क्या करना पड़ेगा फिर वो सर्किट फिर से लाना पड़ेगा और सप्लाई फिर से आप अगर ऐसे अप्लाई करोगे तो वो सर्किट पूरा वेस्टेज हो जाएगा ओके okay? आपके पैसे भी जाएंगे राइट right? तो ऐसा हम नहीं कर सकते ओके okay? सो so उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें वी हैव टू रिमूव दी रिपल्स फ्रॉम योर पल्सटिंग डी सी ऑफ योर रेक्टीफायर आउटपुट जो रेक्टीफायर हमने कल पढ़े थे उसके आगे हम अभी फ़िल्टर पड़ रहे तो फिल्टर क्या करेगा अभी ये जो आउटपुट अवेलेबल है हमारे पास प्रीवियस सेशन के बाद उसके बाद का जो ये रिपल्स है वो हमें रिमूव करने वाले हैं राइट सो ब्लॉक डायग्राम कैसी थी हमारे पास प्रीवियस पहले था तुम्हारा ट्रांसफार्मर ओके योर ट्रांसफार्मर और मैंने बोला था कि अगर आपको ये सिंबल ड्रॉ करना है यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस सिंबल दिस इज नथिंग बट यूर प्राइमरी पी वन पी टू दिस इज नथिंग बट यूर सेकेंडरी एस वन एंड एस टू ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट यहाँ पे जाके नेक्स्ट ब्लॉक हमने देखा था दैट इज नथिंग बट यूर रेक्टिफायर राइट सो रेक्टिफायर के बन सेकेंड हमने तीन टाइप देखे थे दैट इज नथिंग बट यूर हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर दैट इज नथिंग बट यूर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर एंड थर्ड हमने देखा था ब्रिज रेक्टिफायर ओके यहां तक हमने कल पढ़ा था और ये रेक्टिफायर का ये वाला हमारे पास अभी आउटपुट अवेलेबल है तो फिल्टर हम क्यों यूज करने वाले है? जैसे मैंने बोला हम अब हमें क्या करना है वो जो रिपल्स अवेलेबल है रेक्टिफायर आउटपुट के वो रिमूव करने हैं राइट सो so, उसके लिए हमारे पास ये फिल्टर के तीन पॉइंट्स और तीन कैटेगरीज अवेलेबल है ओके फर्स्ट कैटेगरी इज नथिंग बट योर कैपेसिटर फिल्टर नेक्स्ट वन इज योर इंडक्टर फिल्टर नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर एल फिल्टर उसको एल फिल्टर भी बोल सकते हैं और फिर आप पाई टाइप फिल्टर भी बोल सकते हैं हम देखेंगे उसको एल और पाई टाइप फिल्टर क्यों बोलते हैं वो डायग्राम जब मैं दिखाऊंगी उसको वो डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा कि इसका अल्टरनेटिव नेम पाई टाइप या फिर एल टाइप फिल्टर क्यों है राइट और एक यहाँ पे अगर कुछ मे बी अदर बुक्स और मे बी कुछ अदर रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है तो और एक टाइप आपको अवेलेबल मिलेगा और मे बी आपको मिलेगा वो टाइप दैट इज नथिंग बट बटअर आर फिल्टर ओके दिस इज अगेन वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ यूर फिल्टर ये चार टाइप आप लिख सकते हैं और मिनिमम ये तीन टाइप भी अगर आपने आपने लिखे एट द टाइम ऑफ योर एग्जामेशन दें देन दिस इज ऑल्सो सफिशियंट मोर देन सफिशियंट राइट सो ये क्वेश्चन कैसे आती है फिर आपको एग्जाम में जस्ट एक्सप्लेन द कैपेसिटर फिल्टर विद्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम एक्सप्लेन द इंडक्टर फिल्टर विद हेल्प ऑफ योर प्रॉपर डायग्राम एक्सप्लेन यूर एल सी फिल्टर एक्सप्लेन यूर आर सी फिल्टर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको और ये आएंगे okay? so, ओके सो यो ध्यान से सुनना है फिर से सो लेटर स्टार्ट विथ दिस कैपेसिटर फिल्टर तो आपको समझ में आया कि फिल्टर का यूज़ क्या होगा यहाँ पे सो लेटर स्टार्ट विथ यूअर फर्स्ट कंसेप्ट और यूर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ यूर फिल्टर दैट इज नथिंग बट यूर कैपेसिटर फिल्टर ओके सो नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टार्ट कर रहे हैं यूअर पॉइंट नंबर फर्स्ट दैट इज नथिंग बट यूर कैपैसिटर फिल्टर सो अभी यहाँ तक शायद सबको समझ में आ रहा होगा बिकॉज ये हमने बार बार देखा है प्रीवियस सेशन में कि फुल वेव में कितने डायोड होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं एट दी एंड हमने कंपैरिजन में देखा था राइट सो so, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है फिर ये है तुम्हारा ट्रांसफार्मर ओके दिस इज नथिंग बट यूर ट्रांसफॉर्मर ये है आपका सेंटर टैप ओके फुल वेव रेक्टिफायर दिस इज योअर ट्रांसफॉर्मर ओके दिस इज यूर सेंटर टैब फुल वे ओव रेक्टीफायर क्यू में बोल रही सेंटर टैप फुल वेव रेक्टीफायर बिकॉज यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें एक सेंटर टैप वाला सेंटर में एक पॉइंट है दैट इज नथिंग बट यूर सी पॉइंट एंड यहाँ पे दो डायोड है अगर दो डायोड यूज करें सर्किट में दैट इज नथिंग बट यूर फुल वेव रेक्टीफायर सी पॉइंट है दैट मीन दट इज नथिंग बट यूर सेंटर टैब फुल वेअ रेक्टीफायर ब्रिज रेक्टीफायर में चार होंगे और अगर हाफ वेवर रेक्टीफायर है तो वहाँ पे बस ओनली वन डायोड होगा राइट right? सो so, यहाँ पे क्या हो रहा है फिर आगे हमारे पास एक सर्किट एड हो रहा है ओके okay, यहाँ तक हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में अभी फिर ये सर्किट एक्सटेंड होगा वन बाय वन ओके एंड देन अगर ये ब्रेक ब्रेक में पढ़ा जैसे हमने प्रीवियस सेशन uh, के बाद ये अगर आप सुन रहे अभी ये लेक्चर तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज आपको बस यही सर्किट के ऊपर अभी कॉन्सेंट्रेट करना है ये सर्किट तो आपको मे भी शायद बाय आउट हो गया होगा अभी तक ओके okay? आपने अगर लेक्चर सुने राइट right? सो so उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके पास एक कैपेसिटर दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे एक कैपेसिटर है कैपेसिटर का सिम्बॉल ऐसे होता है ओके मे बी यहाँ पे ऐसे दिखाए कोई प्रॉब्लम नहीं आप ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं ओके okay? यह है कैपेसिटर का सिंबल देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है रजिस्टर ओके दिस इज नथिंग बट योर रजिस्टर ओके उसका नोटेशन क्या दिया है हमने आर्यल आर्यल इज नथिंग बट योर लोड रजिस्टर वो लोड रजिस्टर जो होगा उसके अक्रॉस आप आउटपुट वोल्टेज लेंगे आउटपुट वोल्टेज मतलब ये सर्किट का जो भी आउटपुट होगा वो आपको कहाँ पे मिलने वाला है यू कैन जस्ट मेजर द आउटपुट अक्रॉस दिस आर्यल रजिस्टर ओके सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे नोटेशन क्या यूज किया है दैट इज योर यल ओके आर एल इज नथिंग बट योर लोड रजिस्टर ओके सी क्या है आपका कैपेसिटर है तो ये जो प्रीवियस हमारा सर्किट था वो तो एज इट इज है यहाँ पे बस क्या ऐड किया है हमने एक कैपेसिटर ऐड किया और एक रजिस्टर ऐड किया तो मुझे बस ये बताना है अभी आपको कि ये जो कैपेसिटर है ये जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर उसके सीरीज में हमने ये कैपेसिटर लगाया है या फिर कैप पारल में लगाया है सो इट इज़ वेरी इजी टू गिव द आंसर इच एंड एवरी वन इज नाउ वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो और दो स्टूडेंट्स वो आर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन जस्ट इजीली आइडेंटिफाई एंड से मी और यू कैन गिव मी द आंसर दैट कि दिस कैपेसिटर फिल्टर इज़ इन पैरल विद दिस पर्टिकुलर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर ये कैपेसिटर क्या है योर प्रीवियस सर्किट जो है उसके हमने एक लगाया है सीरीज में लगाया है क्या नहीं मैंने प्रीवियसली भी बोला है कि अगर कोई ब्लॉक या फिर कोई सर्किट आपके पास है उसके सीरीज़ में अगर कोई कॉम्पोनेंट आप लगाते हो तो उसको बोलते हैं सीरीज ओके उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन अगर उसके पैरल में पैरल इन देंस अगर ऐसे कुछ आप लगाते हो ओके okay? ऐसे कुछ आप लगाते हो तो दैट इज़ नथिंग बट योर पैरल कनेक्शन ओके दैट इज नथिंग बट यूर पैरल कनेक्शन यू कैन चेक आउट हियर अगर यहाँ पे मैंने रजिस्टर वन और रजिस्टर टू लगाया है तो रजिस्टर वन एंड रजिस्टर टू क्या है पैरल टू ईच अदर है पैरल को आप शंट कह के भी बुला सकते हैं ये मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि समटाइम्स आपको यहाँ पे बोलते हैं कि कैपेसिटर फिल्टर इज इन शंट विद दिस पर्टिकुलर सेंटर टैप रेक्टिफायर कैपेसिटर फिल्टर इज इन शंट विद दिस यूर ट्रांसफॉर्मर एंड यूअर रेक्टिफायर कंसेप्ट तो शंट मतलब क्या होता है पैरल कंसेप्ट होता है पैरल कंसेप्ट मतलब क्या होता है यहाँ पे आपने सीरीज में नहीं लगाया है कैपेसिटर आपने पारलल में लगाया है तो पैरल ये दोनों भी ईच अदर ईच अदर टू पैरल है लोड रजिस्टर जो है हमारा आर्यल और कैपेसिटर सी जो है ये दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरल कनेक्शन में है शंट कनेक्शन में है सीरीज में नहीं है बस आपको ये ध्यान में रखना है मे बी ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि इन केस ऑफ योर कैपेसिटर फिल्टर योर कैपेसिटर इज कनेक्टेड डैश विथ योर रेक्टिफायर सर्किट सो वहाँ पे आपको अगर शंट अवेलेबल है ऑप्शन में तो आपको शंट लिखना है अगर शंट नहीं है तो पैरल अगर अवेलेबल है तो पैरल वो चूज करके आप चूज करके आपको वो आंसर लिखना है राइट सो so, यहाँ तक समझ में आया सर्किट तो बहुत सिंपल है ये तो प्रीवियस सेशन का ही है यहाँ पे बस हमने क्या ऐड किया है बस एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर इसको हम क्या बोल रहे हैं कैपेसिटर फिल्टर तो आपको यहाँ पे बस एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आएगा कि इसकी वजह से अभी एक और ये सिंपल कैपेसिटर और रेजिस्टर ये दोनों मिलके क्या करने वाले बेसिकली क्योंकि मैंने क्या बोला है कि हमें वो रिपल्स रिमूव करने हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स सो तो फिल्टर्स के चार टाइप हमने देखे थे उसका ये पहला वाला टाइप है तो चारों टाइप का भी एम क्या होगा बेसिकली सेम ही एम होगा जो भी रिपल्स है वो उसको रिमूव करेंगे तो चार टाइप्स हम क्यों देख रहे हैं अगर कैपेसिटर फिल्टर के कुछ डिसएडवांटेजेस है तो ओवरकम कौन करने वाला है इंडक्टर फिल्टर इंडक्टर फिल्टर के कुछ सो तो तो right? so, पहला वाला टाइप कैसे वर्क करता है ओके सो okay? so, ये आउटपुट आपको दिख रहा है सब लोगों को दिस इज द आउटपुट विच इज विजिबल टू इन फ्रंट ऑफ यू ओके जस्ट वन मिनट वी कैन चेक आउट आपको बस मैं इजी लैंग्वेज में बोलती हूँ जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसके बाद ये जो डायग्राम अवेलेबल है ये जो आउट आउटपुट वेबफॉर्म जो अवेलेबल है वो आपको इजीली समझ में आएगी ओके दैट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू राइट सो यू कैन सी हियर दिस इज नथिंग बट द आउटपुट ओके दिस इज नथिंग बट वी कैन से ट्रांसफार्मर आउटपुट ओके ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट होगा उसके बाद हमारे पास रेक्टिफायर का आउटपुट कैसे आया था कल के सेशन के बाद हमारे पास रेक्टिफायर का आउटपुट ये वाला आया था ये होगा आउटपुट ऑफ यूर फुल वेव रेक्टिफायर और मे बी ब्रिज रेक्टिफायर ओके okay, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ उस किया है उसका आउटपुट भी यही होगा ओके okay? सो so, यहाँ पे क्या करना है हमें ये जो रिपल्स है उसमें से, उस से ए वाला पार्ट जो है वो डिलीट करना है और हमें वो ट्राई क्या करना है कि एक डीसी लाइन आनी चाहिए इंस्टेड ऑफ़ योर ए सी दैट इज़ आवर एन विद द हेल्प ऑफ एनी फिल्टर नाउ वी हैव वी आर डीलिंग विथ योर कैपेसिटर फिल्टर ओके सो नाउ यू कैन चेक हियर मैं यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन बना रही हूँ सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड डिफरेंट साइकल्स यहाँ पे अलग अलग साइकिल साइकिल्स आपको समझ में आएगी कि वहाँ पे कैपेसिटर फिल्टर वर्क कैसे करेगा ओके सो कैपेसिटर की एक खासियत होती है ध्यान से सुनो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ओके कैपेसिटर की खासियत क्या है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ओके तो कैपेसिटर यहाँ पे क्या करेगा जैसे आपका ये आउटपुट वोल्टेज है आपका रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज ये वीपी तक जाता है दिस इज नथिंग बट योर वीपी और वीएम मैक्सिमम वोल्टेज और योर पीक वोल्टेज राइट सो यहाँ यहाँ तक जाएगा राइट right? सो so, कैपेसिटर क्या करेगा तब तक उसका चार्ज जो है वो स्टोर करेगा कैपेसिटर तब तक क्या करेगा चार्ज जो है चार्जिंग कंसेप्ट यूज करेगा वहां तक ओके चार्ज जो है कैपेसिटर वो होल्ड करेगा उसके बाद ये जो है ना ये आपका वेवफॉर्म फॉल हो रहा है डाउन फॉल में जा रहा है तो कैपेसिटर क्या करेगा फॉलिंग स्टेट में जाएगा फिर से कैपेसिटर क्या करने वाला है अगर आपकी वेवफॉर्म जो है नेक्स्ट वाली साइकिल जो है अगर वीएम या फिर वीपी तक जाती है दैट इज योर मैक्सिमम वोल्टेज वंस अगेन योर कैपेसिटर विल होल्ड द चार्ज अगेन वो डिस्चार्ज होगा अगेन होल्ड करेगा अगेन डिस्चार्ज होगा होल्ड करेगा डिस्चार्ज करेगा राइट सो एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर फिल्टर ओके यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर आउटपुट इन फ्रंट ऑफ यू तो आपको कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाली वेफॉर्म और ये वाली वेफॉर्म वन एट द सेम अगर आप बुक में से पढ़ने जाओ तो समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली आउटपुट वेफॉर्म मिल कैसे रही है ओके सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड कैपेसिटर फिल्टर वर्किंग कैपेसिटर फिल्टर वर्क कैसे कर रहा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंसर्ट के ऊपर वर्क कर रहा है जैसे आपकी वेव फॉम जो वीपी तक जाती है वहाँ तक वो कैपेसिटर फिल्टर चार्जिंग करेगा उसकी और जैसे ये डाउनफॉल में जाए, जाएगी वैसे वो कैपेसिटर फिल्टर भी डिस्चार्ज हो जाएगा फिर से वो चार्जिंग में जाएगा फिर से वो डिस्चार्ज करेगा ओके चार्ज मतलब वो कुछ एनर्जी स्टोर करेगा फिर डिस्चार्ज हो जाएगा राइट सो so, उसकी वजह से हमारे पास ये टाइप की वेवफॉर्म सामने आएगी तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कंपेयर टू योर रेक्टिफायर आउटपुट यहाँ पे रिपल्स जो थे ओके okay, जो कंटिन्यूस रिपल्स है वो कम हो गए हैं हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रेट डीसी लाइन आ रही है विद द हेल्प ऑफ दिस कैपेसिटर फिल्टर अभी तक हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है क्या नहीं हुई है राइट right? क्योंकि हमें और एक ब्लॉक आज के लेक्चर में पढ़ना है दैट इज नथिंग बट योर रेगुलेटर उसके बाद आपको एक डी सी लाइन मिलेगी राइट right? सो so, अभी तक क्या मिल रहा है हमारे पास ये जो ए सी रिपल्स थे उसमें से कुछ ए सी पार्ट था वो हम डिलीट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ योर कैपेसिटर फिल्टर सो दैट इज यू यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर फिल्टर सो लेटेस से यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज आपको ये पता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाले फिल्टर के ऊपर जम्प कर सकते हैं और ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और एक्सप्लेनेशन भी आपको एग्जाम में लिखना है क्या बोला था मैंने कि एग्जाम में एक क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको जस्ट ड्रॉ एक्सप्लेन दी कंसेप्ट ऑफ यूर कैपैसिटर फिल्टर और ऐसे भी आ सकता है कि वट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ यूर फिल्टर्स एक्सप्लेन एनी वन तो आपको जो भी आपके हिसाब से जो अच्छे से एक्सप्लेन करते आएगा वो टाइम पर तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट एनी वन एंड यू कैन एक्सप्लेन दैट राइट अगर आपको बोला गया स्पेशली कि एक् एक् एक्सप्लेन इंडक्टर फिल्टर एक्सप्लेन कैपासिटर फिल्टर और मे बी एक्सप्लेन यूअर एल सी फिल्टर और एक्सप्लेन यूर आर सी फिल्टर सो इन दैट केस यू हैव टू एक्सप्लेन दैट फिल्टर ओनली तो वो टाइम पर आप खुद के मन से कुछ भी नहीं लिख सकते राइट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट फिल्टर ओनली ओके सो हिर वट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज दिस कैपेसिटर फिल्टर दिस सिंपल कंडेंसर फिल्टर रिड्यूस इज द परसेंट रिपल फ्रॉम फोर्टी एट परसेंट टू फाइव परसेंट रिपल हम रिपल फैक्टर जो है जो रिपल्स यहाँ पे अवेलेबल थे वो फोर्टी एट परसेंट से सीधा फाइव परसेंट पे रिड्यूस हो रहा है ओके okay? सो so, हमारा एम क्या है हमें एक डी सी लाइन अचीव करनी है ओके okay? सो so, हम हमारे एम के नियर बाय है हमने एम तो अचीव नहीं किया लेकिन हम हमारे एम के पास जा रहे हैं राइट सो वी कैन से ये रिपल जो है 48 एट परसेंट टू फाइव परसेंट फाइव परसेंट के ऊपर अभी नीचे जा रहा है दैट इज एडवांटेज देन नेक्स्ट वन क्या है दिस फिल्टर इज़ सुटेबल फॉर यूर लो करंट एंड यूर हाई वोल्टेज सर्किट हाई वोल्टेज एंड यूर लो वोल्टेज सर्किट की जी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगी वहाँ पे आप ये कैपेसिटर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं राइट देन नेक्स्ट क्या है लो कॉस्ट एंड साइज ऑफ यूर सर्किट इज स्माल एज कम्पेयर टू ऑर इंडक्टर फिल्टर सो इंडक्टर फिल्टर में क्या होगा एक्चुअली उसके साइज़ और वो बल्कि होता है थोड़ा सा सो एज कम्पेयर टू दैट वी कैन से कि यहाँ पे uh, बस एक कैपेसिटर यूज करना है तो so, उसकी कुछ कॉस्टिंग या फिर साइज या फिर बल्किनेस कुछ भी नहीं है सो दैट इज ऑल्सो दन एडवांटेज राइट देन डिसएडवांटेज क्या है फिर ये सर्किट का सो द डिसंटेज इज इट इज नॉट सुटेबल फॉर हैवी लोड करंट बिकॉज रिपल इंक्रीजेज फॉर योअर हैवी लोड करंट यहाँ पे हमने एडवांटेज में क्या देखा था लो करंट और हाई वोल्टेज के रिक्वायरमेंट में लो करंट हाई वोल्टेज सर्किट के रिक्वायरमेंट में ही हम ये कैपेसिटर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं अगर आपने हाई वोल्टेज और हाई लोड और हेवी लोड करंट का सर्किट चूज़ किया है तो वहाँ पे क्या होगा फिर आपका ये सर्किट आउटपुट uh, नहीं देगा और दैट विल नॉट बी सूटेबल दिस कैपेसिटर फिल्टर विल नॉट बी सूटेबल देयर ओके सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट वाला फिल्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पे वो यूज़ करना पड़ेगा राइट सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट वन इज़ अवर इंडक्टर फिल्टर ओके सो लेट अस स्टार्ट अवर second type of our filter that is nothing but your uh, L filter or your inductor filter okay inductor filter यहाँ पर दिख रहा है L filter क्यों बोल रहे हैं क्योंकि inductor को हम notation दे रहे हैं L okay और उसका symbol कैसा है symbol of your inductor is like this okay this is the symbol of your inductor कि यहाँ पे क्या है फिर once again आपको अगर draw करना है तो you can also show here हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर प्रीवियसली हमने ट्रांसफार्मर दिखाया रेक्टिफायर दिखाया फिर उसके बाद एक कैपेसिटर और रेजिस्टर लगाया था राइट तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कुछ बच्चों के दिमाग में दिमाग में कि यहाँ पे फिर हम रेक्टिफायर ही क्यों दिखा रहे राइट सो तो ये आपके ऊपर है अगर आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे ट्रांसफार्मर यू कैन ऑलसो ड्रॉ सिम्बल ड्रॉ करना यू कैन ऑलसो ड्रॉ यू कैन शो कि यहाँ पे टू थर्टी ओल्ट सप्लाई दिया फिर ट्रांसफार्मर यूज़ किया और फिर उसके बाद रेक्टिफायर यूज़ किया और फाइनली जो भी रिपल्स है उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा भी एक फिल्टर चूज कर रहे हैं अभी कौन सा फिल्टर पड़ रहे हैं हम हमारे पास है अभी इंडक्टर फिल्टर राइट सो इंडक्टर फिल्टर के पास क्या है ये वाला सिम्बॉल है हमारे पास ये लगाया हमने सीरीज में प्रीवियसली कैपेसिटर फिल्टर कैसा था शंट में था पैरल में था इन पैरल विथ योर रेक्टिफायर था अभी ये सीरीज में है ओके इसको बोलते हैं सीरीज ओके सो इंडक्टर फिल्टर इज इन सीरीज विथ योर रेक्टिफायर और यहाँ पे क्या है अगेन यूअर आर्यल लोड है ओके सो so, ये लोड के अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है राइट सो इंडक्टर फिल्टर का सबसे पहले दिमाग में फिट कर लो कि हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली बस आपको यही एम रखना ही है ये डी पावर सप्लाई की चैप्टर के स्टार्टिंग uh, में और एंड में भी कि हमें बस डी आउटपुट चाहिए दैट इज़ आवर एम उसके हिसाब से ही हम ये सब पढ़ रहे हैं ओके okay? अगर ये आपको समझ में आया तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एट दी एंड हमें क्या चाहिए और हम ये क्यों कर रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं ओके okay? हर एक स्टेज में ओके okay? सो so यहाँ पे क्या होगा फिर इसका यूज़ क्या है बेसिक ऑलवेज रिमेंबर इंडक्टर क्या करता है इंडक्टर पास करता है इंडक्टर पासिस डीसी एंड ब्लॉक्स ए सी ओके इंडक्टर पासिस डीसी एंड ब्लॉक्स ए सी इसका मतलब क्या है जो भी आपके पास रिपल्स है जो भी आपके ए सी कॉम्पोनेंट्स अवेलेबल है थ्रू द आउटपुट ऑफ योर रेक्टिफायर उसको इंडक्टर क्या करने वाला है डायरेक्टली ब्लॉक करने वाला है और क्या करेगा वो बस डी सी कॉम्पोनेंट जो होंगे रेक्टिफायर के आउटपुट के बाद तो उसको ही बस वो पास करेगा ओके दैट इज़ द एम ऑफ योर इंडक्टर फिल्टर और बेसिकली द इंडक्टर जो होगा एक सिंगल कॉम्पोनेंट uh, जो है इंडक्टर उसका यूज़ क्या है फिर वो बस ए सी को ब्लॉक करता है और डी सी को पास करता है वो बस इसके इसी के लिए नहीं है ए सी इंडक्टर का वो बाय डिफॉल्ट नेचर है ओके जैसे डायोड का नेचर क्या प्रीवियसली हमने देखा था अगर उसको पॉजिटिव टू तो पॉजिटिव और निगेटिव टू तो निगेटिव सप्लाई दिया तो वो एज अ स्विच कर एज अ स्विच करके एक्ट होता है तो यहाँ पे भी सेम आपको कंसेप्ट ऐड करनी है कि इंडक्टर क्या कर रहा है फिर यहाँ पर इंडक्टर का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है इंडक्टर हमेशा ए को ब्लॉक करता है और डीसी को क्या करता है पास कर देता है राइट तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे इंडक्टर सबसे पहले चूज किया है राइट तो ये क्या करेगा ए सप्लाई ए सी रिपल जो भी होगी उसको ब्लॉक करेगा और डी को पास कर देगा राइट और आर के अक्रॉस आपको क्या मिलेगा फिर आपका जो आउटपुट वोल्टेज है हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है हमारी डीसी लाइन चाहिए वो आपको मिलेगी राइट तो यहाँ पे कुछ आई थिंक ग्राफ अवेलेबल नहीं है सो so, आपके लिए वो ग्राफ मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ राइट सो so, हमारे पास रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा है वंस अगेन हमारे पास रिप्ल है राइट और इंडक्टर फिल्टर का आउटपुट हमें कैसे चाहिए डीसी लाइन हमें एक्सपेक्टेड है लेकिन यहाँ पे भी आपको डीसी लाइन मिलेगी क्या नहीं मिलेगी डीसी लाइन एट दी एंड आपके रेगुलेटर का जो ब्लॉक हम पढ़ेंगे ना उसके बाद ही आपके पास डीसी लाइन होगी राइट तो यहाँ पे भी हम ट्राई करने वाले हैं कि एटलीस्ट हमें डीसी कॉम्पोनेंट्स मिले इंस्टेड ऑफ योर रिपल्स ओके सो इंडक्टर फिल्टर काम कैसे कर रहा है फिर ये देखो यहाँ पे बस मैं आपके समझने के लिए ना कुछ डॉटेड ए सी लाइन यहाँ पे बना रही हूँ ओके ऑफ योर रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर का आउटपुट जो होगा ना ये ऐसा होगा राइट तो ये इंडक्टर इसके ऊपर काम कैसे करेगा राइट तो मैंने क्या बोला है कि इंडक्टर क्या करने वाला है ए सी को ब्लॉक करेगा और डीसी को पास करने वाला है ओके सो so, वो क्या करेगा कि एक यहाँ पे एवरेज लाइन होती है ओके एवरेज लाइन होती है अगर वो एवरेज लाइन के ऊपर जाता है तो इंडक्टर क्या करेगा ओके एनर्जी स्टोर करेगा रिलीज़ करेगा एनर्जी स्टोर करेगा रिलीज़ करेगा स्टोर करेगा रिलीज करेगा स्टोर करेगा रिलीज़ करेगा, करेगा, करेगा तो ये लाइन आपको दिख रही है सब लोगों को बच्चों ध्यान से देखो ये वाली लाइन दिस विल बी द आउटपुट ऑफ योर इंडक्टर फिल्टर ओके एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्टर अक्रॉस दिस रजिस्टर यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आउटपुट तो आपको इन कंपेयर टू योर प्रीवियस कैपेसिटर फिल्टर वहाँ पे कैसे मिल रहे थे हमें आउटपुट ऐसे जिक्जैक पैटर्न में मिल रहे थे उसमें भी ऐसे कंपोनेंट अवेलेबल थे लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इंडक्टर फिल्टर के थ्रू हम ट्राई कर रहे हैं कि एसी को कंप्लीट ब्लॉक करें और डीसी बस उसमें रहने चाहिए राइट सो एट दी एंड हमारे पास ए लाइन आ रही है ये कंप्लीटली डी लाइन तो नहीं है लेकिन वो एटलीस्ट डी सी हमारे पास अवेलेबल है राइट सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ योर इंडक्टर फिल्टर राइट सो यहाँ पे दिख रहा है जस्ट हमारे एक्चुअली नेक्स्ट टाइप क्या होगा हमारा नेक्स्ट टाइप इज नथिंग बट यूअर एल टाइप और यू पाई टाइप फिल्टर ओके सो ये बस ये डायग्राम ध्यान में रखो वहाँ पे हमें लगेगी पाई टाइप क्यों बोल रहे हैं वहाँ हम बिकॉज सी वन एंड सी टू और यहाँ पे एल एल मतलब यूअर इंडक्टर ओके okay? यहाँ पे इंडक्टर है तो इंडक्टर सी वन एंड सी टू हमने कैसे पैटर्न में लगाई है पाए पाई का सिम्बॉल कैसे होता है ऐसे वाला राइट right? सो so, ये हो गया पाई का सिम्बॉल इसलिए इसको पाई टाइप फिल्टर भी बोलते हैं ओके देन इसको एल टाइप फिल्टर क्यों बोल रहे हैं इसको बोलते हैं एल टाइप फिल्टर ओके ये इंडक्टर और ये रजिस्टर ये हो गया एल शेप में कनेक्टेड टू ईच अदर इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं आप इंडक्टर फिल्टर को एल टाइप फिल्टर और नेक्स्ट वाले फिल्टर को क्या बोलेंगे हम पाई टाइप फिल्टर पाई क्यों बोल रहे हैं बिकॉज वो पाई का पैटर्न फॉर्म कर रहा है राइट right? सो so, इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिस एडवांटेजेस लेटर्स सी क्विकली एंड देन वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट फिल्टर राइट सो ये हैप्पी क्या है एडवांटेजेस द पर्सन ट्रिपल इज मिनिमाइज फॉर यूअर हैवी लोड करंट अगर हैवी लोड करंट है तो परसेंट रिपल जो होंगे वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं जो हमारे पास प्रीवियस जो हमने फिल्टर पढ़ा था उसमें वो डिसएडवांटेज था वो हमारे हमारे पास इंडक्टर फिल्टर की केस में वो एडवांटेज करके आपको लिखना है एडवांटेज क्या है कि अगर हैवी लोड करंट है तो वहाँ परसेंट रिपल जो होंगे वो मिनिमाइज लेवल पे होंगे राइट उसके बाद द आउटपुट ऑफ योर फिल्टर इज़ ऑलमोस्ट स्मूथ डीसी जैसे मैंने बोला कि प्रीवियसली हमें जग्जैक्ट लाइन करके मिली थी राइट right? उसमें एसी कंपोनेंट है लेकिन यहाँ पे क्या है ऑलमोस्ट डीसी कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल है ड्यू टू योर इंडक्टर राइट देन उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस है ये सर्किट के इसकी वजह से हम हमारे नेक्स्ट सर्किट के ऊपर जंप करने वाले हैं राइट सो पहले वाला डिसएडवांटेज क्या है दिस सर्किट इज नॉट सुटेबल फॉर यूर हाई वोल्टेज आउटपुट एंड लो वैल्यूज ऑफ यूर लोड करंट ओके हाई वोल्टेज एंड लो वैल्यूज़ के लिए uh, ये सर्किट सूटेबल नहीं है द साइज़ ऑफ़ योर इंडक्टर इज़ टू बिग जैसे मैंने बोला कि साइज़ जो होती है इंडक्टर की वो बहुत बड़ी होती है ओके द साइज़ ऑफ़ योर इंडक्टर इज़ टू बिग ओके सो इट इज़ हाई एज़ कंपेयर टू योर कैपेसिटर फिल्टर दैट मीन्स अगर ये सर्किट में इंडक्टर की साइज़ बड़ी है तो ऑब्वियसली वो सर्किट क्या होगा बल्कि होगा हमारा प्रीवियस फ़िल्टर क्या था उसमें हमने बस एक कैपेसिटर यूज़ किया था राइट कैपेसिटर के साइज़ भी छोटी रहती है और कॉस्ट भी कम रहती है एज कम्पेयर टू दिस सो इसलिए हम ये क्या बोल रहे हैं ये ड्रॉबैक है ये सर्किट का राइट देन उसके बाद असेंबली ऑन योर सर्किट बोर्ड इज डिफिकल्ट प्रॉपर वैल्यू ऑफ योर कॉल डिजाइन इज डिफिकल्ट ओके इसमें कुछ वेरिएशन आते हैं कॉल के इसलिए ये डिजाइनिंग जो होती है और प्रॉपर प्रॉपर वैल्यू जो होती है डिजाइन करने के लिए वो भी थोड़ी क्रिटिकल या डिफिकल्ट जाती है देन इट कैन बी यूज इन योर हाफ व्यव रेक्टिफायर वो हम बस हाफ रेक्टिफायर के केस में यूज़ कर सकते हैं ओके सो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस है ऑफ योर इंडक्टर फिल्टर ओके देन नेक्स्ट फिल्टर इज़ नथिंग बट अवर एल टाइप फिल्टर और हमारा पाई टाइप फिल्टर जैसे अब अभी मैंने बोला था कि ये डायग्राम ध्यान में रखो अगर ध्यान में नहीं है तो नो प्रॉब्लम ओके आपके लिए मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करने वाली हूँ जस्ट चेकआउट है नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा एल टाइप फिल्टर या फिर पाए फिल्टर एल टाइप या फिर पायर फिल्टर हमने यहाँ पे क्यों बोला है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है सी वन यहाँ पे हमारे पास है C2 और यहाँ पे हमारे पास है इंडक्टर L ओके okay, तो ये कौन सा शेप में आ रहा है यहाँ पे पाई शेप में आ रहा है ओके okay? ये आ रहे हैं हमारे पास पाई शेप में इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको इसको क्या बोल रहे हैं हम इसको बोल रहे हैं पाई टाइप फिल्टर और एल टाइप फिल्टर क्यों बोल सकते हैं इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं ये है आपके पास एल यहाँ पे होगा आपके पास आर एल ओके ये होगा एल शेप में इसको बोलते हैं एल टाइप फिल्टर प्रीवियस और इसके आगे क्या ड्रॉ करेंगे आप वन सेगेन जो हमने प्रीवियसली पढ़ाया ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करो है यहाँ पे रेक्टिफायर दिखाओ उसके बाद हमारे पास आएगा पाई टाइप फिल्टर या फिर एल टाइप फिल्टर ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ योर एल टाइप और योर पाई टाइप फिल्टर सो इन योर इंडक्टर और कैपेसिटर फिल्टर परसेंट रिपल इज रिड्यूस टू फाइव परसेंट फाइव परसेंट तक हमारे रिपल क्या होंगे आपके रिड्यूस हो सकते हैं इन केस ऑफ योर प्रीवियस टू फिल्टर के यूज़ के बाद राइट बट इट इज़ नॉट कम्प्लीट फिल्टर्ड जैसे मैंने बोला कि हमारे पास फिल्टरिंग तो हो रही है लेकिन वो कम्प्लीटली फिल्टर आउट नहीं हो रहा है ओके okay? उसमें कुछ ऐसी कॉम्पोनेंट या डिस्टोक्शन अवेलेबल है जो हमें नहीं चाहिए राइट सो फॉर दिस परपज इफ परसें ट्रिपल इज टू बी मिनिमाइज फर्दर देन बोथ एल एंड सी आर साइमल्टेनियसली कनेक्टेड इन एल टाइप और मे बी पाए शेप सो फिगर शोज हियर द एल शेप और पाए शेप फिल्टर हियर प्रीवियस जो डायग्राम थी उसी में एक्चुअली ये दो डायग्राम्स इंक्लूड किए थे इसलिए यहाँ पे बोला है कि फिगर शोज ओके नो प्रॉब्लम आपके लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दी ओके सो एल शेप में आपको जो इंडक्टर है वो एल शेप में कनेक्ट करना है या फिर पाई शेप में कनेक्ट करना है ओके यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमारा एम क्या है टू जस्ट रिमूव द मोर रिपल्स ओके फॉर रिमूविंग द मोर रिपल्स फॉर गेटिंग द प्रॉपर डी लाइन हमारे एम के पास हमें जाना है फिर से तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम और एक अरेंजमेंट कर रहे हैं उसमें क्या किया हमने दो कैपेसिटर लगा दिया और एक इंडक्टर यूज़ कर दिया ओके सो दैट इज नथिंग बट यूर पाई टाइप और योर एल टाइप फिल्टर सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को इक्लिए देख लेते हैं हम ओके सो एडवांटेजेस क्या है सिंस टू एल फिल्टर्स आर यूज टू बी इन पाई फिल्टर डबल फिल्टर एक्शन टेक्स प्लेस इट रेड्यूसेज द पर्सन ट्रिपल टू योर वेरी स्मॉल वैल्यूज सो प्रीवियसली हमने क्या देखा था कि कैपेसिटर की बेसिकली uh, एक फीचर uh, क्या है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की कंसेप्ट है ओके चार्जिंग एंड डिस्चार्ज करेगा ओके चार्जिंग मतलब क्या है अगर आपका रेक्टिफायर का आउटपुट मैक्सिमम वी तक है या फिर वी तक है तब, तब तक वो कैपेसिटर चार्ज होगा उसके बाद वो डिस्चार्ज होके जाएगा राइट वो हमने देखा था फिर इंडक्टर की बाईडिफॉल्ट uh, नेचर क्या है इंडक्टर जस्ट पासिस द डी एंड ब्लॉक्स ए सी दैट इज़ द फीचर ऑफ़ योर इंडक्टर तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे इंडक्टर भी यूज़ कर रहे हैं और कैपेसिटर भी यूज़ कर रहे हैं प्रीवियस टू सेक्शन में क्या देखा था यूर एल सी फ़िल्टर और यूअर कैपेसिटर फिल्टर में हमने क्या देखा था एक तो आप बस सी कैपेसिटर यूज़ करो या फिर आप इंडक्टर यूज़ करो ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम दोनों भी यूज़ कर रहे हैं अगर दोनों भी यूज़ कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है आपकी जो परसेंट रिपल्स है वो कंपेयर टू योर प्रीवियस टू सर्किट और भी कम हो जाएंगे रिपल्स फैक्टर जो होंगे आपके वो और भी कम हो जाएंगे ओके जो हमें नहीं चाहिए फिर उसके बाद क्या है इट कैन बी हैंडल फॉर योअर लो करंट एंड यूर हैवी करंट सर्किट स ओके तो इसका जो प्रीवियस दो सर्किट के डिसडवाटेज हमने क्या देखे थे अगर हाई करंट सर्किट आपके पास अवेलेबल है तो आ, वो टाइम पे हमें आ, जो कैपेसिटर फिल्टर था वो हम यूज़ नहीं कर सकते थे लेकिन वो अगर आपके पास एल टाइप और पाए टाइप फिल्टर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इन दैट केस एल्सो राइट देन फाइनली द ड्रॉबैक Sorry, uh, uh, it can uh, handle both your low current and your high current. These are the actually advantages. Huh? The drawback of this, just consider these are the advantages. Huh? Sorry for that. These are the advantages. So, third point is nothing but the drawback of this filter is its size and the cost. ओके द ड्रॉबैक ओनली क्या है ये सर्किट का और पर्टिकुलर दिस पाई फिल्टर और एल फिल्टर का यहाँ पे हमने इंडक्टर यूज़ किया है जैसे मैंने बोला इंडक्टर की साइज बड़ी होती है बल्कि होता है तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ती है और साइज़ भी बढ़ती है ओके सो दैट इज द ड्रॉबैक फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्टर सो लेट इस मूव फॉरवर्ड ओके सो नेक्स्ट ब्लॉक और फाइनल ब्लॉक हमारे पास अभी है वोल्टेज रेगुलेटर ओके फिर से मैं आपके लिए ये ब्लॉक डायग्राम फिर से याद कर रही हूँ हमारा पहला वाला ब्लॉक क्या था ट्रांसफार्मर ओके okay, यहाँ पे था आपके पास एसी मेन्स उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक क्या था रेक्टिफायर था ओके okay? उसके बाद हमने अभी क्या पढ़ा रिसेंटली हमने पढ़ा है फिल्टर ओके फिल्टर के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटर बिकॉज हमारा एम क्या है

कि रेगुलेटर जो है आ, उसके कौन से कौन से टाइप्स होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेज होंगे सिमिलरली जैसे हमने अभी पढ़े कि कुछ टाइप्स हम पढ़ने वाले तो पहले वाले टाइप का कुछ डिसएडवांटेज होगा वो नेक्स्ट वाला टाइप ओवरकम कर देगा और फाइनली uh, हम एस एम बी एस के कंसेप्ट के ऊपर जंप करने वाले जनरली हम एस एम पी एस यूज़ करते हैं फॉर रेगुलेशन पर्पज़ सो दैट इज़ वाई एम सेइंग दिस ओके सो आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है ओके okay? इफ़ यू वॉन्टेड टू नोट डाउन ना यू कैन जस्ट नोट इट डाउन यहाँ पे दो फॉर्मूला भी अवेलेबल है ओके लोड रेगुलेशन एंड यूर लाइन रेगुलेशन ओके लोड रेगुलेशन सोर्स रेगुलेशन लाइन रेगुलेशन देन यूअर रिपल रेगुलेशन जस्ट नोट डाउन दिस इफ यू वॉन्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन में भी बार बार पूछा गया है कि वॉट आर द वेरियस फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूर वोल्टेज रेगुलेटर ओके सो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछे जाए तो आपके पास होगा लोड रेगुलेशन ओके देन होगा लाइन रेगुलेशन

ये है मिनिमम लोड करंट ये है मैक्सिमम लोड करंट ये डायग्राम सेम है लेकिन दो अलग अलग कैटेगरीज है कंडीशन से वो हम पढ़ रहे हैं अभी ओके सो दिस वन इज यू पावर सप्लाई दिस इज ऑल्सो यूअर पावर सप्लाई यहाँ पे हम दिखा रहे हैं लो लोड करंट यहाँ पे दिखा रहे हैं हम मैक्सिमम लोड करंट ओके सो दिस इज वोड दिस इज नथिंग बट यू नो लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज मतलब क्या होता है जीरो वोल्ट लोड ही नहीं है उसके एकरोस ओके एंड यहाँ पे क्या है हमने एक रजिस्टर दिखाया है ओके okay? और वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फुल लोड वोल्टेज वी एफ एल एफ एल मतलब यूर फुल लोड वोल्टेज एन एल मतलब यूर नो लोड वोल्टेज ओके सो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख, दिख रहा है फॉर्मूला दिख रहा है लोड रेगुलेशन इज इक्वल टू वी एन एल ओके माइनस वी एफ एल ओके डिवाइडेड बाय वी एन एल तो मैंने क्या बोला एन एल मतलब नो लोड एफ एल मतलब फुल लोड तो फॉर्मूला क्या है नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय नो लोड ओके यहाँ पे दिख रहा है आपको ओके okay? सो so, ये जो फार्मूला है ना आपके पास सो so, इसके ऊपर बेस्ट आपको कुछ न्यूमरिकल्स एग्जाम में आएंगे ओके फॉर मे बी थ्री मार्क्स और मे बी फॉर फोर मार्क्स वो आपको बस वैल्यूज uh, जो है और कुछ प्रॉब्लम uh, स्टेटमेंट होंगे आपके बुक में और मे बी आपके रिसोर्सेज में जो आपके पास अवेलेबल है यू जस्ट टेक आउट दी सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड अगर आपको ये फार्मूला पता है जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज़ यू कैन इजली कैलकुलेट राइट सो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर लोड रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय वी एन एल और हमेशा याद में रखना कि ये लोड रेगुलेशन भी आपको परसेंट में लिखना है ओके okay? परसेंट में अगर लिखना है तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड करना है ओके सो ऑटोमेटिकली आपका जो लोड रेगुलेशन होगा उसका जो रिजल्ट या उसका जो आंसर आएगा ना वो परसेंट में आएगा ओके लोड रेगुलेशन ऑलवेज कम्स इन परसेंट ओके सो यहाँ पर क्या दिखा है द चेंज इन योर आउटपुट वोल्टेज वेन द लोड करंट चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम दैट इज कॉल्ड यूर लाइन रेगुलेशन सॉरी यहाँ पे होगा लोड रेगुलेशन ये होगा लोड रेगुलेशन सॉरी फॉर दैट देन नेक्स्ट इज योर लाइन रेगुलेशन सो चेंज इन यूर आउटपुट वोल्टेज ओके फॉर द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ योअर लाइन वोल्टेज सो दीज आर दी डेफिनेशन या आप किस लैंग्वेज में भी देख सकते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि exactly एग्जैक्टली ये फार्मूला कैसे लिखना है याद में कैसे रखना है इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि आपके आपको बस ये डायग्राम समझ में आई ये हो गया आपका मिनिमम लोड लोड करंट ये हो गया आपका मैक्सिमम लोड करंट इसके अक्रॉस के आ रहा है आपको नो लोड वोल्टेज आ रहा है ओब्वियसली यहाँ पे लोड करंट मिनिमम है ओके सो so ये होगा जीरो अगर आपके पास ये मैक्सिमम लोड करंट है तो उसके एकोरास आउटपुट क्या होगा आउटपुट वोल्टेज वी एफ एल होगा दैट इज़ योर फुल लोड वोल्टेज होगा सो इसके हिसाब से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है जैसे मैंने बोला कि लोड वोल्टेज हमेशा आपको परसेंट में लिखना है तो फाइनल आउटपुट ये कैलकुलेट करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है बाय हंड्रेड सो दैट यू विल गेट दी लोड वोल्टेज इन परसेंट फॉर्मेट राइट देन आपके पास ये आ रहा है सोर्स रेगुलेशन तो सोर्स रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है सोर्स रेगुलेशन डिवाइडेड बाय योर नॉर्मल वोल्टेज सो परसेंट एस आर का क्या फॉर्मूला है हमारे पास एस आर डिवाइडेड बाई एन वी वंस अगेन ये भी परसेंट में आएगा इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई हंड्रेड से ओके सो एस आर आपको कैसे कैलकुलेट करेगा वी आउट मैक्स माइनस वी आउट मीन यहाँ पे एस आर दिया है सोर्स रेगुलेशन दिया है ओके सो एस आर इज़ नथिंग बट योर वी आउट मैक्स ओके माइनस वी आउट मीन सो ए वैल्यूज जो होंगे ना आपके पास अवेलेबल होगी अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको रिमेनिंग पैरामीटर्स आपको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिए होंगे उसके हिसाब से बस ये फॉर्मूला जो आपके पास अवेलेबल है उसमें वैल्यूज पुट डाउन करनी है और आपको परसेंट में लाइन रेगुलेशन होल्ड रेगुलेशन मे बी सोर्स रेगुलेशन ये सब कैलकुलेट करना है ओके सो लेटस मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट वन इज नथिंग बट यूर जीनर रेगुलेटर सो लेट अस स्टार्ट नाउ विद आवर रेगुलेटर कॉन्सेप्ट प्रीवियसली हमने ये लाइन लोड ये क्या देखा था ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे यूर वोल्टेज रेगुलेटर के वोल्टेज रेगुलेटर बेसिकली क्या करने वाला है मुझे बोलो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है कि हमारा एम क्या है वी हैव टू अचीव यूर कॉन्स्टेंट डीसी लाइन वोल्टेज so, रेगुलेटर क्या करने वाला है अगर आपके सर्किट को फाइव वोल्ट रिक्वायरमेंट है तो वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट होगा फाइव वोल्ट डीसी अगर आपके सर्किट की रिक्वायरमेंट है फिफ्टीन वोल्ट डीसी तो वोल्टेज uh, रेगुलेटर क्या करने वाला है फिफ्टीन वोल्ट डीसी आपको आउटपुट में देने वाला है राइट सो दैट इज यूज ऑफ योर वोल्टेज रेगुलेटर तो उसके लिए हम एक वन बाय वन कुछ टाइप्स देखने वाले हैं कि एक्जैक्टली हर एक टाइप कैसे वर्क करेगा उसका डिसएडवांटेज क्या होगा उसका एडवांटेज क्या होगा कहाँ पे हम वो रेगुलेटर यूज कर सकते हैं पे यूज नहीं कर सकते हैं राइट वो सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं राइट सो so और फाइनल कहाँ पे जम्प करने वाले हैं हम फाइनली हम जम्प करने वाले यूर एस एम पी एस कॉन्सेप्ट के ऊपर एस एम पी एस जनरली हम यूज करते हैं मॉडर्न टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली राइट सो पहले वाला टाइप क्या है हमारे पास जीनर रेगुलेटर ओके फर्स्ट टाइप इज नथिंग बट अवर जीनर रेगुलेटर ये डायग्राम आपको दिख रही है सब लोगों को वी इन यहाँ पे क्या दिख रहा है एट्टी टू हंड्रेड होल्टेज एक सप्लाई हमने प्रोवाइड किया है एक वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है ये पर्टिकुलर सर्किट को ओके और यहाँ पे एक रजिस्टर दिख रहा है दी रजिस्टर वैल्यू इज फाइव किलो होम राइट और यहाँ पे एक डायोड जैसा कुछ सिंबल आपको दिख रहा है दिस इज नॉट डायोडा सो डोंट बी कन्फ्यूज़ हमने कल देखा था कि डायोड का सिंबल भी ऐसा ही कुछ था लेकिन ये डायोड नहीं है ये वाला है आपके पास जीनर डायोड डायोड ऐसा होता है ओके डायोड के पास ऐसे हमने ऐसे एरो नहीं दिखाए थे इसको बोलते हैं डायोड इसको बोलते हैं जीनर डायोड पोलैरिटी सेम ही रहेंगी जीनर डायोड का ये होगा प्लस और ये होगा माइनस इन अ सिमिलर वे लाइक योर डायोड डायोड का हमने जैसे देखा था वैसे ही लेकिन दिस इज द सिंबल डिफरेंस इन बिटवीन यूर डायोड एंड यूअर जीनर डायोड जीनर डायोड का सिंबल ये वाला है और इसको बोलते हैं सिंपल डायोड ओके तो यहाँ पे हमने कौन सा डायोड यूज़ किया है यहाँ पे हमने यूज़ किया है जीनर डायोड तो सबसे पहले ये सर्किट के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा इसके जो एक आउटपुट uh, ग्राफ है वो समझनी पड़ेगी वो आउटपुट ग्राफ के ऊपर से ही हम एडवांटेजेस लिखने वाले हैं और सर्किट का जो नेचर है जो ऑपरेशन है वो भी आपको समझ में आएगा तो आई थिंक यहाँ पे वो ग्राफ अवेलेबल नहीं है सो डोंट वरी आपके लिए वो ग्राफ में यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ राइट सो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आएगा ओके okay? ये हो गया आपका वोल्टेज एक्सिस ये हो गया आपका करंट एक्सिस दिस इज योर वोल्टेज एंड करंट एक्सेस करंट वर्सेस योर वोल्टेज ये आउटपुट ग्राफ है ऑफ योर जीनर डायोड जस्ट वन मिनट आ ये हो गया सब लोगों को दिख रहा है ये हो गया आपकी वोल्टेज लाइन ये हो गई आपकी करंट की लाइन करंट वर्सेस योर वोल्टेज ये है आपका नॉर्मल डायोड का भी आउटपुट और जीनर डायोड का भी आउटपुट ये हो गया आपका जीनर डायोड का आउटपुट ओके दिस इज नथिंग बट यूर आई एल मीन और ये हो गया आपका आर एल मैक्स और यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे यहाँ पे मैं कुछ डार्क पोर्शन दिखा रही हूँ ये हो गया लीकेज वोल्टेज ये हो गया आपका लीकेज वोल्टेज ये हो गया आपका ओरिजिन ये है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज ओके okay. ये ग्राफ आप सब लोगों को दिख रहा है क्लियर से ये समझ लो ये आपको अगर समझ में आया तो जीना डायोड क्या है उसका वर्किंग क्या है बहुत इजीली समझ में आएगा और एक्सप्लेनेशन भी बहुत इजी जाएगा ओके okay? सो so यहाँ पे क्या है हमने एक सप्लाई वोल्टेज दिया एक रजिस्टर लगाया इन सीरीज विथ यूर जीना डायोड और जीना डायोड के एक्रॉस क्या लगाया और एक लोड रजिस्टर लगाया है वो लोड रजिस्टर के एक्रॉस क्या करने वाले हैं हम हमारा आउटपुट वोल्टेज जो भी होगा वो मेजर करने वाले हैं राइट सो यहाँ पे क्या होगा फिर जीना डायोड हमें हमेशा इन केस ऑफ दिस जीनर रेगुलेटर रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में ही यूज़ करना है क्या क्या कंडीशन बोली मैंने जीनर डायोड हमेशा आपको रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में ही यूज़ करनी ही करनी है राइट सो so ये वाला है आपका ये ग्राफ दिख रहा है आपको ये हो गया आपकी फॉरवर्ड बायस कंडीशन ये है आप ये वाला ग्राफ है फॉरवर्ड बायस कंडीशन का और ये आपका रिवर्स बायस कंडीशन का ग्राफ और फिर जीनर डायोडा ओके okay? सो so, यहाँ पे क्या हो रहा है ये नॉर्मल डायड भी ऐसे ही वर्क करता है यहाँ पर यहाँ तक क्या होगा वो ऑफ कंडीशन में रहेगा इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज ओके यहाँ पे जैसे ही ये डायोड रीच करेगा ओके यहाँ पे जैसे ही डायोड आपका रीच करेगा वहां से वो वर्किंग स्टार्ट कर देगा ओके वहाँ से वो ऑन हो जाएगा इसीलिए हमने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया है तो ये हो गया नॉर्मल डायोड का भी आउटपुट और योर जिनर डायोड का भी आउटपुट ओके okay, लेकिन हमें क्या करना है मैंने क्या बोला है कि ये सर्किट में हमेशा जीना डायोड रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में ही ऑपरेट करेंगे दैट मींस वी आर इंटरेस्टेड इन टू दिस पर्टिकुलर रिवर्स बाइसिंग ग्राफ ओनली ओके okay? ये रिवर्स बाइसिंग का जो ग्राफ है ना वो हम अप्लाई करने वाले हैं रेगुलेटर कंसेप्ट के लिए इसलिए मैंने बोला राइट सो यहाँ पे क्या हो रहा है आप ध्यान से देखो ये हमारा वोल्टेज एक्सेस है और ये हमारा करंट एक्सेस है right? राइट सो so, यहाँ तक क्या होगा आपका जो जीनर डायोड है वो ऑफ कंडीशन में रह रहा है लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ डार्क लाइन दिखाई है ओके ये डार्क पोर्शन इज नथिंग बट योर लीकेज करंट लीकेज वोल्टेज यहाँ पे कुछ लीकेज हो रहा है ओके योर डायोड इज इन द ऑफ कंडीशन स्टिल सम लीकेज वोल्टेज इज देयर ओके वो हम यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं ओके okay? लेकिन जैसे ही यहाँ पे वो रीच uh, करता है जैसे आपका जीनर डायोड ये पॉइंट पर रीच करता है दैट इज यूर ब्रेक डाउन वोल्टेज ओके दिस इज नथिंग बट योर ब्रेक डाउन वोल्टेज पॉइंट जैसे ही ये पॉइंट पे आपका डायोड रीच करेगा जीनर डायोड ओके okay, वो सीधा डाउनफॉल में ग्राफ आपको दिख रहा है तो आपको ये रीड कैसे करना है और व्हाट इज़ द यूज़ अगर ये नीचे जा रहा है तो उसका यूज़ क्या होगा आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा अभी राइट right? सो so, हमारा यूज़ क्या है और हमारा एम क्या है बेसिकली ओके okay? अगर आपका करंट जो है उसके रीडिंग्स बढ़ रहे देखो ये आपका करंट एक्सिस है राइट right? ये हो गए आई एल मीन और आई एल मैक्स ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखे है यहाँ पे ओके मीन मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ योर करंट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर करंट तो करंट की रेंज क्या हो रही है यहाँ पे धीरे 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 बढ़ रही है मिनिमम है फिर उसके बाद मैक्सिमम है उसके बाद कुछ और वैल्यू आ रही है लेकिन कंपेयर टू योर करंट वैल्यू यू कैन चेक योर वोल्टेज वैल्यू इज कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट अगर सपोज यहाँ पे फाइव वोल्ट है ओके माइनस फाइव होल्ट है तो क्या होगा ये जो वैल्यू है ये कंटिन्यूसली आपको कॉन्स्टेंटली मिल रही है करंट अगर आपका चेंज भी हो रहा है तो वोल्टेज क्या मिल रहा है आपको कॉन्स्टेंट मिल रहा है सो so, हमारी अचीवमेंट क्या है हमारा अजेंडा क्या है टू अचीव योर कॉन्स्टेंट डीसी लाइन दैट इज सॉरी दैट इज आवर एजेंडा ओके दैट इज आवर एम जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं राइट सो अगर आपकी करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है दैट मीन्स कि आपके सर्किट का जो करंट है ओके हेवी लोड करंट के लिए और हेवी हेवी करंट वाले जो सर्किट होंगे आपके पास वो टाइप पे भी आपका वोल्टेज क्या हो रहा है कांस्टेंट आउटपुट दे रहा है सो दैट इज अवर आउटपुट रिक्वायरमेंट ओके करंट आपका चेंज भी हो रहा है लेकिन आपको वोल्टेज की आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज लाइन मिल रहे है ओके सो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि जिनर डायड विल प्रोवाइड द कॉन्स्टेंट डिस लाइन टू अस ओके इन इन केस ऑफ यूर रिवर्स बाइसिंग कंडीशन ओनली सो अगर ये ग्राफ समझ में आया तो ही आपको ये बो, बोलने के लिए ईजी जाएगा कि यहाँ पे हमने जीना डायोड क्यों यूज़ किया है और उसका पर्पज़ क्या है और वाई वी आर सेईंग कि जीना डायोड हमेशा रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में यूज़ होगा मे बी फील द ब्लैंक्स में भी ये आएगा और एडवांटेजेस में भी आपको ये मैंशन करना है राइट सो लेट स्टार्ट इट इज़ अ शर्ंट रेगुलेटर सर्किट वे आर इनर डायड इज कनेक्टेड इन यूअर शंट विथ इनपुट एंड आउटपुट होल्टेज रेगुलेटर सर्किट ओके सो यहाँ पे शंट में लगाया है हमने शंट मतलब पैरल में लगाया है इज इनर डायोड ओके सो द सर्किट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन ये कुछ कंडीशन है जो ये सर्किट को फुलफिल करनी है जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ ली है बस ये पॉइंट आपको बस पढ़ने हैं अभी वन बाय वन ओके सो पहला वाला पॉइंट क्या है जीनर डायोड मस्ट बी ऑपरेटेड इन टू दी रिवर्स बाइसिंग कंडीशन ओनली हमने देखा अभी राइट देन नेक्स्ट इट मस्ट बी इट मस्ट बी ऑफ सफिशियंट पावर रेटिंग उसकी पावर रेटिंग सफिशियंट चाहिए बिकॉज आपका जो सर्किट होगा उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए ओके okay? देन उसके बाद द इनपुट वोल्टेज शुड बी ग्रेटर दैन द जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज इसको क्या बोलते हैं जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज ओके तो इनपुट वोल्टेज क्या होगा शुड बी ग्रेटर दैन ब्रेक डाउन वोल्टेज ओके जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है आपका उससे ग्रेटर चाहिए आपका इनपुट वोल्टेज ओके दिस इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट देन नाउ लेट अस सी हाउ यूअर जीनर रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज विद द रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल बिफोर दैट वी कैन जस्ट हैव द दुवेशन एक्चुअली यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फार्मूला जो मैंने रिमूव कर दिए लेकिन आपको एग्जाम में बेस्ड ऑन दिस थ्री फार्मूलाज ओके बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सर्किट आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपको कुछ न्यूमरिकल्स आएंगे डोंट वरी आपको अगर ये फार्मूला बाय हार्ट है आपको ये सर्किट पता है ग्राफ पता है और फार्मूला भी पता है जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज यूज योर कैलकुलेटर एंड जस्ट राइट डाउन द आंसर्स ओनली बहुत इजी है ओके सो फॉर्मूला क्या है फिर यहाँ पे वी आउट इज इक्वल टू वी इन माइनस वी आर ओके वी आउट इज इक्वल टू वी इन माइनस वी आर वी आउट इज इक्वल टू वी इन माइनस वी आर जस्ट वन मिनट ओके वी आउट इज इक्वल टू वी इन माइनस वी आर देन नेक्स्ट वन इज आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल आई जेड क्या है फिर जीनर करंट है आई एल क्या है लोड करंट आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल अभी आपको पता मे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये फॉर्मूला हम कहाँ से लिख रहे हो गए यहाँ पे के सी एल एंड के वी एल के कंसेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप के सी एल मतलब क्या है इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट तो इनपुट करंट क्या है यहाँ पे ये इनपुट करंट है योर आई और आउटपुट में कौन से कौन से करंट है हमारे पास लोड करंट है और जीनर करंट है इसलिए हम क्या कर रहे हैं आई एल और आई जेड के एडिशन कर रहे हैं ओके सो देर फोर आई जेड इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं आई माइनस आई एल सो ये हो गए फार्मूला बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सर्किट सर्किट समझ में आया तो ये फार्मूला बहुत ईजी है आपके लिए बस ये नोटेशन है उसको आपको बस पुट डाउन करना है यहाँ पे वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है जो डेटा आपको पूछा गया है और एग्जाम्पल में जो भी आपको दिया गया है वो वैल्यूज यहाँ पे पुट डाउन करो और कैलकुलेट कर लो दैट्स इट फॉरवर्ड नाउ नेक्स्ट टाइप और द नेक्स्ट रेगुलेटर इज नजिस्टराइज रेगुलेटर ओके नेक्स्ट रेगुलेटर इज नजिस्टराइज रेगुलेटर जैसे मैंने बोला प्रीवियसली फिल्टर के केस में भी हमने क्या पढ़ा था कि कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे ओके okay, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं प्रीवियस सर्किट के उसके बाद हम नेक्स्ट वाला सर्किट और नेक्स्ट वाली जो कंसेप्ट होती है वो यूज़ करते हैं राइट सो यहाँ पे क्या है फिर ट्रांजिस्टराइज रेगुलेटर uh, हमने uh, यहाँ पे मेंशन किया है उसको क्या बोल सकते हैं आप सीरीज रेगुलेटर भी बोल सकते हैं ओके okay? तो वो ट्रांजिस्टराइज रेगुलेटर क्या करेगा कुछ ट्रांजिस्टर्स होंगे कॉमन इमिटर और मे बी कॉम्प्लिकेटेड कुछ सर्किट्स आपको दिखेंगे ओके okay? ये तो बस एक सीरीज uh, रेगुलेटर की डायग्राम है ओके ट्रांजस्टराइज सीरीज रेगुलेटर की एक आइडियल ब्लॉक डायग्राम है और कंसेप्ट यहाँ पे बस मैंने मेंशन की है इफ़ यू वांटेड टू गो यू कैन जस्ट चेक आउट योर बुक्स आल्सो देयर यू विल गेट सम ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर द रेजिस्टेंस एंड यू कैन जस्ट चेक आउट सम फार्मूलाज विल आल्सो गेट सम डिफरेंट डिफरेंट केसेस आल्सो यू विल गेट सो हमारे प्रीवियस जो है जिनर रेगुलेटर उसके कुछ केसेस है एक्चुअली ओके जिनर रेगुलेटर के कुछ केसेस है आपको केस नंबर वन केस नंबर टू केसेस इन द सेंस कंडीशन है ओके okay, वो कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है कुछ ड्रॉबैक्स है उसकी वजह से हम कहाँ पे जम कर रहे हैं यूर ट्रांजिस्टराइज रेगुलेटर जो होगा दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम यू कैन चेक आउट ही उसके ऊपर जंप कर रहे हैं, ओके सो लेट अस सी दिस पॉइंट्स क्विकली, सो दैट वी कैन जंप टू आवर फाइनल आउटपुट दैट इज ओके? So as we know that Zener regulator is a very simple low voltage regulator, but the circuit has to satisfy many conditions as mentioned in the Zener regulator earlier. In addition to these conditions, Zener regulator cannot hold the output voltage constant when line voltage changes by the amount when it is when it delivers very large load current. Right? To get the better performance of your Zener regulator, transistorized regulator is uh, preferable, and it is a discrete circuit where negative feedback technique is employed. क्या समझ में आया यहाँ पे जैसे मैंने अभी बोला कि जिना रेगुलेटर के कुछ कंडीशन है कुछ केसेस है ओके okay, कुछ ड्रॉबैक्स है उसकी वजह से हम ये ट्रांजस्टराइज सीरीज रेगुलेटर के ऊपर जंप कर रहे दिस इज नथिंग बट द आइडियल ब्लॉक डायग्राम इफ यू हैव दी अनदर रिसोर्सेज और आपके पास कुछ बुक्स अवेलेबल है सो इन दैट यू विल गेट एग्जैक्टली ट्रांजिस्टर के कुछ सिम्बल्स ट्रांजिस्टर के सिम्बॉल पता है ऐसे ऐसा होता है ट्रांजिस्टर उसके ओके दिस इज नथिंग बट यूर बेस देन दिस इज नथिंग बट यूर इमीटर टर्मिनल दिस इज यूर कलेक्टर टर्मिनल ओके यहाँ पे अगर सर्किट कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं सपोज कॉमन इमीटर और यूर कॉमन बेस कनेक्शन ओके सो ऐसे दो तीन ट्रांजिस्टर कनेक्शन कनेक्शन आपको दिखेंगे उसमें उसमें कुछ कंडीशंस होंगी कॉमन इमीटर की और मे बी कॉमन कलेक्टर की जो भी आपको मेंशन की होंगी वो होता है आपका ट्रांजस्टराइज रेगुलेटर सो अल्टीमेटली ये भी रेगुलेटर का एम क्या है हमारे पास टू अचीव दी कांस्टेंट डीसी लाइन ओनली ओके सो

आई एल एम थ्री वन सेवन ये आई का नंबर क्या है आई सी सेवन एट जीरो फ़ाइव मे बी कुछ स्टूडेंट्स ने इससे पहले मे बी एक्सप्लेनेशन से पहले ये सुना होगा कि आई सी सेवन एट जीरो फ़ाइव आई सी सेवन एट ट्वेल्व आई सी सेवन एट सपोज फिफ्टीन सो ऐसे कुछ आई अवेलेबल है मार्केट में ओके सेवन एट जीरो फाइव का मतलब क्या है कि ये जो है ना आई ये इसका आउटपुट होगा फाइव वोल्ट डी सी ओके फाइव वोल्ट डी जो लाइन मिलेगी इसका होगा वो आउटपुट ओके सो ऐसे कुछ आइसिस अवेलेबल है मार्केट में सीधे आपके अगर सर्किट में आपको ये लगानी है रेगुलेटर की कंसेप्ट आपको यूज करनी है आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ योर फिल्टर यू कैन डायरेक्टली परचेज द ये छोटे छोटे डिवाइसेज कॉम्पोनेंट्स होते हैं है. ये इसको तीन टर्मिनल होते हैं यू कैन चेक आउट ईर टर्मिनल नंबर वन टर्मिनल नंबर टू एंड टर्मिनल नंबर थ्री ये होगा इनपुट टर्मिनल एक होगा आउटपुट टर्मिनल और एक होगा आपका ग्राउंड टर्मिनल ओके okay? इनपुट को क्या करेंगे आप इनपुट मतलब फिल्टर का जो आउटपुट होगा वो जाएगा आपके इनपुट ऑफ योर आईसी देन ग्राउंड का टर्मिनल नेगेटिव सप्लाई को जाएगा और आउटपुट से आपको क्या मिलने वाला है सपोज इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस सेवन एट जीरो फाइव आई सी देन इन दैट केस यू विल गेट दी फाइव होल्ड डी सी आउटपुट ओके कम आपको एक कंटिन्यूस डीसी लाइन चाहिए राइट सो विद द हेल्प ऑफ दिस सच टाइप ऑफ कॉम्पोनेट्स और आईसीज विच आर अवेलेबल इन मार्केट वी आर गोइंग टू गेट द कॉन्स्टेंट डीसी लाइन ईजिली ओके देर इज नो नीड टू कनेक्ट द डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स एंड रजिस्टर्स एंड यू आर जीनर डायर्ड एंड कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अभी मार्केट में क्या अवेलेबल है डायरेक्टली आइसिस अवेलेबल है जिसके तीन टर्मिनल होंगे कनेक्शन करो और सीधा आपके पास डीसी आउटपुट अवेलेबल होगा राइट सो ये होगा और इसको क्या बोलते हैं सिंक ये कूलिंग के कूलिंग के लिए पार्ट होता है ओके सिंक मतलब क्या है ये कूलिंग पर्पस के लिए होता है अगर ये आपको आईसी अगर आपके सर्किट में लगाई तो वो जो हीट होगी ना उसको बस ग्रास करने के लिए उसको कम करने के लिए हीट सिंक का कंसेप्ट यूज होता है ओके सो डायरेक्टली लेटर्स सी वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस थ्री पिन रेगुलेटर आईसीज ओके सो मिनिमम साइज एंड नीड्स ओनली द थ्री पिन ओके अवेलेबल इन द प्लास्टिक एंड मेटल पैकेज विद द स्टैंडर्ड पिन कॉन्फिगरेशन ये जो पैकेज है ना ये प्लास्टिक एंड मेटल पैकेज में आता है विद स्टैंडर्ड थ्री पिन कॉन्फिगरेशन जो आपके सामने है राइट right? उसके बाद इजी टू यूज़ बिकॉज नो एक्सटर्नल कॉम्पोनेंट्स आर रिक्वायर्ड इन मेनी आईसीज यहाँ पे मैं जैसे मैंने बोला कि आपके पास कुछ अलग अलग रजिस्टर कैपेसिटर या फिर जीनर डायोड ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है आपके पास बस तीन टर्मिनल है जो आपको कनेक्ट करने हैं आपके सर्किट में राइट right?

अगर सेवन एट जीरो फाइव है तो ये फाइव होल्ड डीसी कांस्टेंट आउटपुट देगा सेवन एट ट्वेल्व है तो ये ट्वेल्व होल्ड डीसी आउटपुट देगा ओके okay? सो so, इसके वजह से हम बोल रहे हैं कि सेवन एट एक्स एक्स सो मार्केट में ऐसे बहुत सारी सीरीज़ अवेलेबल है तो आपके सर्किट के हिसाब से यू कैन चूज एनी वन आई और आपका आउटपुट में वो कांस्टेंट डीसी लाइन मिलेगी राइट वो कांस्टेंट डीसी सप्लाई मिलेगा दे कैन बी यूज फॉर फिक्सड एज वेल एज वेरिएबल वोल्टेज पावर सप्लाई सो फिक्सड और वेरिएबल मतलब क्या है अगर कॉन्स्टेंट आर्यल लोड है तो वहाँ पर भी आप ये, ये यूज़ कर सकते हैं और वेरिएबल दैट मीन्स ऐसे कुछ आपने देखा होगा प्रीवियसली ओके okay? इसको बोलते हैं वेरिएबल वेरिएबल लोड ओके okay? वेरिएबल मीन्स वहाँ पर वेरिएशन हो सकते हैं लोड के ओके okay? वोल्टेज की जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो वेरिएशन में होगा वहाँ पर भी आप ये आइसीज यूज़ कर सकते हैं ओके okay? देन आई थिंक uh, ये स्लाइड में एक्चुअली एस एम पी एस की कंसेप्ट नहीं है तो इसी में आप क्या करेंगे एस एम पी एस जो है एस एम पी एस की कंसेप्ट जो है वो ऐड करेंगे सिंपल मोड पावर सप्लाई ओके सिंपल मोड पावर सप्लाई अभी हम इसको बस डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज एस एम पी एस भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि वॉट इज़ एस एम पी एस बेसिकली तो एस एम पी एस का यूज़ क्या है तो ट्रांजिस्टराइज रेगुलेटर हो या फिर आपका ये आईसी रेगुलेटर्स हो या फिर आपके वो प्रीवियसली uh, जिससे पढ़ा हमने जिनर रेगुलेटर हो तो ये सब का ड्रॉबैक क्या है उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आता है ओके okay? उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आता है तो उसको ओवरकम करने के लिए सिंपल मोड पावर सप्लाई जो हमारे पास अवेलेबल है एस एम पी एस एक सिंपल एक डिवाइस होता है डायरेक्टली जैसे यहाँ पे आईसीज अवेलेबल है ना वैसे ही सिंपल मोड पावर सप्लाई एक डिवाइस होता है छोटा वाला वो अगर आप यूज़ करते हैं आफ्टर दी एंड ऑफ यूर कंप्लीट सर्किट फिल्टर के बाद और आफ्टर दी ऑल द स्टेजेस ऑफ योर ए सी टू डी सी जहाँ पे हमें रिपल्स रिमूव करने हैं उसके बाद फाइनली आपको अगर कॉन्स्टेंट डी सी लाइन चाहिए रेगुलेशन करना है ओके okay, तो वहाँ पर हम सीधा सीधा एस एम पी एस यूज कर सकते हैं एस एम पी एस इज नथिंग बट अ स्मॉल डिवाइस ओके और स्मॉल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल गेट द डी सी और रेगुलेटेड डी सी आउटपुट वो हम बोल सकते हैं ओके थ्रू दिस एस एम पी एस यू कैन जस्ट गेट द रेगुलेटेड डी सी आउटपुट तो यहाँ पे प्रीवियस जो सर्किट है उसके ड्रॉबैक क्या बोले हैं मैंने आपको वो अनरेगुलेटेड डिसे आउटपुट भी हम बोल सकते हैं उसको ओके वहाँ पे क्या होगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन का इशू आता है वो इशू जो है ना वो सॉल्व करने के लिए एसएमपीएस मेजर रोल प्ले कर रहा है ओके सो तो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बस मैं आपको देख के बोलती हूँ कि एक्जैक्टली कौन से टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं ओके जैसे कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर थ्री टर्मिनल आई सी वोट रेगुलेटर ओके तो ये जो ब्लॉक डायग्राम थे ये ये हो गई पिन कॉन्फिग्रेशन डायग्राम तो ब्लॉक डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके दिखानी है एक्जैक्टली कि पिन डायग्राम या yeah, ये थ्री टर्मिनल ब्लॉक इसको बोलते हैं एक्चुअली थ्री टर्मिनल आईसी डायग्राम है अगर ब्लॉक डायग्राम पूछी है आपको तो आपके मे बी रिसोर्स में अवेलेबल है जस्ट ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम सिंपल है वो पे बस दो ब्लॉक दिखाने हैं पास द ट्रांजिस्टर एंड करंट लिमिटिंग एंड एक अपैम uh, दिखाना है और आउटपुट में डायरेक्टली आपको डीसी आउटपुट होल्डेज दिखाने है राइट देन नेक्स्ट डिस्कस द वर्किंग ऑफ योर फिक्स एंड वेरिएबल थ्री टर्मिनल आईसी रेगुलेटर देन स्टेट दी टाइप्स ऑफ यूर थ्री पिन आईसी रेगुलेटर जैसे मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ थ्री पिन आई सी रेगुलेटर जो भी है वो पूछा गया है देन वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ थ्री पिन आई सी रेगुलेटर ओवर यूर डिस्क्रिट रेगुलेटर सर्किट ओके एक जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा गया है ओके okay? जैसे मैंने बोला एक जो क्वेश्चन है ना वो बार बार पूछा गया है जो कि है एस एम पी एस के ऊपर ओके सो जस्ट नोट डाउन दैट एस एम पी एस मतलब क्या है स्विच मोड पावर सप्लाई हाँ सिंपल और स्विच मोड पावर सप्लाई ओके सो एक्सप्लेन द बेसिक आइडिया ऑफ योर स्विच मोड पावर सप्लाई एंड स्टेट एनी टू एडवांटेजेस अगेन रिपीट कर रही हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन है ना मार्च टू थाउजेंड टू थ्री फोर सेवन नाइन ट्वेल्थ थर्टीन नाइनटीन अक्टोबर फोर फाइव एट टेन इतने बार रिपीट हुआ है राइट सो जस्ट मेक अ इंपॉर्टेंट और जस्ट मेक अ स्टार पॉइंट फॉर दिस एस एम पी एस अंडर यूअर वोल्टेज रेगुलेटर कंसेप्ट ओके सो एक्सप्लेन द बेसिक आइडिया ऑफ यूर स्विच मोड पावर सप्लाई एस एम पी एस एंड स्ट्रेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ यूर एस एम पी एस ओके सो एडवांटेजेस में हम क्या बोल सकते हैं इन सीरीज रेगुलेटर फॉर योर लार्ज करंट लार्ज अमाउंट ऑफ फायर इट इट इज डेसिपेटेड इन अ पास ट्रांजिस्टर but in SMPS there is less power dissipation in your pass transistor. Like your series regulator it is not bulky. jaise main humne जैसे मैं हमने अभी डिस्कस किया वही सेम आपको एडवांटेजेस बोलने हैं कि पावर डिसिपेशन का जो इशू आता है ट्रांजस्टरइज में बी रेगुलेटर ने रेगुलेटर में और मे बी यूर जीनर रेगुलेटर में जो पावर डिसिपेशन इशू है वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं हमारे एस में देट इज य फर्स्ट प्रायोरिटी एडवांटेज और सेकेंड एडवांटेज क्या है कि एक स्मॉल डिवाइस इट इज़ नॉट अ डिवाइस और और वी कैन से इट इज़ नॉट लाइक यूअर ट्रांजिस्टराइज और मे बी प्रीवियस सर्किट जो भी हमने देखे तो इट इज़ नॉट अ बल्कि डिवाइस बेसिकली ओके एक सिंपल सा छोटा सा एक डिवाइस है डायरेक्टली वो आपको वो डी आउटपुट जो होगा ओके डी रिक्वायरमेंट जो है हमारे सर्किट को वो प्रोवाइड करने वाला है ओके सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो दी वन ऑफ द एडवांटेज राइट सो योज क्वेश्चन है दट इज द आई पी वी आई एम पी क्वेश्चन यू कैन जस्ट नोट इट डाउन एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ योर एस एम पी एस थ्री वन सेवन अभी हमने क्या देखा कि सेवन एट सीरीज अवेलेबल है थ्री सेवन जीरो सीरीज़ अवेलेबल है तो यहाँ पे ना कुछ सिलेबस में मे बी थ्री सेवन जीरो सीरीज थ्री वन सेवन आई सी देन यू वैवन एट जीरो फाइव आई सी मे बी सेवन एट ट्वेल्व आई सी स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा बस आपको आउटपुट के लिए बस बोलना पड़ेगा कि अगर सेवन एट जीरो फाइव यूज़ कर रहे हैं तो हम आउटपुट में फाइव होल्ड डी सी सप्लाई यूज़ कर सकते हैं अगर सेवन एट ट्वेल्व यूज़ कर रहे हैं तो ट्वेल्व होल्ड डी सी आपको मिलेगा सो इन अ सिमिलर वे यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दी आई सी इंस्टेड ऑफ़ द सेवन एट जीरो फाइव सपोज एल एम थ्री वन सेवन आपको दिखानी पड़ेगी आफ्टर द यूज़ ऑफ योर फिल्टर फिल्टरिंग कंसेप्ट ओके फिल्टर के बाद क्या यूज़ कर रहे हैं हम रेगुलेटर यूज़ कर रहे हैं फॉर रिमूविंग द रिपल्स फॉर गेटिंग द डीसी कॉन्स्टेंट लाइन राइट सो आपको वो ड्रॉ करना है सर्किट दिस पर्टिकुलर आई सी एंड देन यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दैट कि ये वोल्टेज रेगुलेटर के कंसेप्ट क्या है और वट इज़ द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्री टर्मिनल आइस राइट और कुछ न्यूमेरिकल्स है दैट्स इट द डिफरेंस इन बिटवीन योर इंडक्टर फिल्टर कैपेसिटर फिल्टर न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर बेस्ट होंगे हमने डिस्कस किए कि स्मॉल स्मॉल फॉर्मूला और कुछ नोटेशन uh, है बेस्ड ऑन यूर सर्किट डाइग्राम यू हैव टू जस्ट टेक द वैल्यूज़ विच आर अवेलेबल इन यूर न्यूमरिकल्स जो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट होंगे एग्जाम में जो भी आपको दिए होंगे वैल्यूज़ वो यूज़ करो जो 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 नहीं है बस वो आपको कैलकुलेट करनी है हमने फॉर्मूला प्रीवियसली देखा है ओके सो आई होप ये आपको सब समझ में आया हो सो इन दिस वे वी हैव कंक्लूडेड विथ यूअर डी सी पावर सप्लाई चैप्टर